ये है राइस मिल के मालिक केशव प्रसाद। मांडवानी करना, लोगों को किडनैप करना, पैसे के लिए खून करना, राजनीति में मारपीट, ये सब इनका धंधा है। पैसे वालों के बीच में ये इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन पब्लिक ने इनका नाम रखा है गली का गुंडा। जो इन्हें पसंद है उसकी इज्जत करते हैं और जो नापसंद है उसे जिंदा जलवा देते हैं। ये है श्रीमान सूरी। सब्जी काटना और लोगों को काटना दोनों इनके लिए एक जैसे है। 12 साल की उम्र में जेल चले गए थे, इसलिए डर से इनका कोई परिचय नहीं है। ये मौका देखकर चौका मारते हैं। ये केशव के बॉडीगार्ड थे, लेकिन आजकल उनके साथ काम नहीं करते। ये है देवा, सिटी के नंबर वन बिल्डर, लैंड ब्रोकर। ये सिर्फ लैंड ब्रोकर ही नहीं है, हर चीज के ब्रोकर हैं। इन्हें गुंडागर्दी का चाणक्य कहा जाता है। बिल्डर्स में नंबर वन होने के साथ साथ ये गुंडागर्दी में भी नंबर वन है। जो सूरी कभी केशव के लिए काम करता था, आजकल वो देवा का राइट हैंड। ये है कादर भाई। हाई कोर्ट के बाहर चाय की दुकान चलाते थे। कोर्ट जिसका फैसला नहीं कर पाती थी, उस केस को ये बिना तारीख दिए, बिना वकील की फीस दिए हुए सॉल्व कर लिया करते थे। इसलिए इस कादर भाई की सब इज्जत करते हैं। ये मारधार पसंद नहीं करते। आजकल इनकी दुकान हाईवे पर है। इसी आर रोड में एक नए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और देवा वहाँ आने वाला है। इस बार वो बचना नहीं चाहिए, अभी बराबर प्लान बनाकर उसको खत्म करना होगा। हाईवे में कादर भाई के दुकान के सामने बस स्टॉप पे तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा। आज देवा को मरते समय उसके मरने की आवाज मेरे कान में सुनाई देनी चाहिए। ए, मेरे कान में सुनाई देनी चाहिए। मीनाक्षी, मुंबई से तुम्हारे लड़के का लेटर आया है, जरा जल्दी आओ। मैं तुम्हें सुनाकर जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत काम है, जल्दी आओ जल्दी आओ। जिस घर में ताला बंद है वहाँ क्या बात कर रहे हो? क्या ताला बंद है? हाँ सही कह रही हो। मीनाक्षी कहाँ गई है तुम्हें पता है क्या? मीनाक्षी बहन तो अपने लड़के को ढूंढने के लिए पहली बस से शहर चली गई है। क्या शहर गई है? अरे बाप रे, कह रही थी कि चिट्ठी भी नहीं आई है और उसके पास पता भी नहीं है। अपने बेटे को कहाँ ढूंढेगी वो? अरे वो अपना गांव नहीं है कि किसी का नाम पूछेंगे तो वो उसे घर तक ले जाएगा। इस चिट्ठी में उसके बेटे का पूरा पता लिखा है। पता नहीं बेचारी उसे शहर में कैसे ढूंढेगी। अरे क्या माँ जी, आप फोटो दिखाकर पूछ रही है मेरा लड़का है कहाँ पर मिलेगा? ऐसे लड़का मिलता है? ये क्या कोई फिल्म का हीरो है? अरे क्यों आप सुबह सुबह धंधा खराब कर रही हो? जाओ 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 जाओ, आगे जाओ, जल्दी जाओ जाओ। तुम्हारा लड़का इस शहर में नया है कह रही हो? एक काम करो, जिस बस से आई थी उसे पकड़ कर वापस चली जाओ।
सुनो, एक एक करके अंदर जाओ, चलो चल एक एक करके। ये शोर शराबा कैसा है? अरे पीछे पीछे हटो। बल्लू को मिलने के लिए सर। सर देवा को जिसने खत्म किया हुआ बल्लू, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लोग उससे मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? हमको उससे मिलना है। ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इससे पहले इन लोगों को अंदर कर दो। चलो हटो, चलो हटो, हटो हटो यहाँ से, भागो भागो इन सबको, भागो, चलो हटो, चलो चलो बाहर बाहर चलो चलो। सर सारे कैदियों को अंदर डाल दिया है, बाहर कोई भी नहीं है। ओके अभी बल्लू कहाँ है? अरे भाई हमें अंदर क्यों बंद कर दिया है? देवा को मिलना मुश्किल है, क्या उसे खत्म कर दिया? हो सकता है बल्लू नाम का कोई दूसरा आदमी फंस गया हो। आप तुम्हें बुला रहे हैं। आओ बल्लू, देखने में तो भोला भाला लगता है लेकिन काम बहुत खतरनाक है तेरे। तुझसे मिलने के लिए बाहर सब गुंडे इंतजार कर रहे हैं। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? तुम सॉरी सॉरी नहीं चल सकती क्या? सॉरी माँ, सॉरी 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 क्या सॉरी? अरे रे श्वेता कहाँ भाग रही है? मेरे साथ सब बताती हूँ। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे रे लो पानी पियो पानी पियो। तुम्हारी हड़बड़ी देख के लग रहा है कि तुम कोई सेंसेशनल कंट्रोवर्शियल बात बोलने वाली हो, am I right? Exactly, sir. बोलो बोलो, तुम लोग भी सुनो हाँ? सर मेरी बातों को सुनकर आप मुझे कौन सा सम्मान देंगे मुझे नहीं पता। जर्नलिज्म पढ़ने वाली स्टूडेंट, thrill.com रिपोर्टर, आप सब मेरा लोहा मानेंगे। ये बात है, पॉलिटिशियन ने तुम्हें रिश्वत दी है क्या? नहीं सर। किसी साधु की शादी होने वाली है क्या? तो जरूर कोई आतंकवादी पकड़ा होगा। क्या सर, ये सब रूटीन बातें हैं। दिस इज समथिंग अनयूजुअल, आपने कभी से देखा भी नहीं होगा, पढ़ा भी नहीं होगा। अब देखिए सर, लाओ दिखा दिखा दिखा। ये देखिए हैं, ये तो जैसे ब्रेड पे जैम लगाते हैं वैसे ही पीठ पे हाथ फेर रहा है, और उसके बेचारे बॉयफ्रेंड को कुछ पता ही नहीं है। कितना नॉनसेंस केस है। हाय 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 हाय, आप लोग दोनों लवर्स हैं क्या? आपने हमें पकड़ ही लिया। हाँ हाँ, हम लवर्स हैं। लैला मजनू के बाद मैं अनुज और ये शीला है ना? या, या। फिर ये कौन है? मैं इनका क्लोज फ्रेंड हूँ। क्लोज फ्रेंड? हम दोनों के प्यार में ब्रिज बनके यही तो खड़ा है। हाउ स्वीट, ये ब्रिज बनकर खड़ा है ठीक है, मगर गाड़ी कौन चला रहा है? तूने तो अपने दोस्त के पीठ पे ही वार कर दिया। तुम दोनों ने धोखा दिया है मुझे, अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ए, 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 गणेश, अरे रुक, कहाँ जा रहा है? ये सब इस लड़की की वजह से हुआ, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सर मैंने वहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ आके रुकी हूँ। मैं रिपोर्टर बन सकती हूँ ना सर? मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे मिलेंगे। हम लोग रोज इसी तरह से होटल में, पार्क में, सब जगह देखते रहते हैं। अच्छा सुनो,
न्यूज कैसी होनी चाहिए? अरे न्यूज ऐसी होनी चाहिए कि सारे लोग सब काम धाम छोड़कर उसे देखने बैठ जाएं, तभी तो लोग ध्यान देंगे ना उस पर। उसका स्वाद पानी जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए दारू पी ली है। अगले सेमेस्टर से पहले ही तुम्हारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ और तुमने मुड़कर देखा भी नहीं। मैं अंदर आना चाहती थी लेकिन उस चौकीदार ने अंदर जाने ही नहीं दिया। पूछता है क्या काम है लेकिन कैसे समझाती कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ करके। उस वक्त तो मैंने सॉरी कह दिया था ना, फिर अब आप मेरा इंतजार क्यों कर रही है? मेरे बेटे की तस्वीर तुम्हारे पास है ना? तस्वीर? कौन सी तस्वीर? फोटो। ओ, फोटो है क्या? हाँ, मुझे याद आया, एक फोटो रखी है मैंने, देखिए ये है क्या? देखिए। हाँ यही। सॉरी माँ जी, किताबें उठाते समय ये फोटो भी साथ में आ गई होगी। सॉरी माँ जी, गलती हो गई। मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था। चलिए माँ, मैं आपको ऑटो में छोड़ देती हूँ, कहाँ जाना है? हाँ, इस बारिश के पानी से पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो ये क्या जवाब देगा। मैं भी उसी तरह हूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ मुझे कुछ भी नहीं पता। आप यहाँ के नहीं है क्या? आप कहाँ से आई है? यह है ना मेरा बेटा, इसी से मिलने आई हूँ। ओह, आपके बेटे ने बुलाया है आपको? नहीं, मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। नहीं जानती ना। कैसे बात कर रही है माँ जी, बिना एड्रेस के कैसे ढूंढ सकते हैं? मैं किसी भी तरह ढूंढ लूंगी उसे। अब मैं ठीक है, मेरे साथ चलिए। ऑटो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। माँ जी तुम जाओ, चलिए मेरी बात मानिए। कांदिवली वेस्ट। हाँ चलता हूँ। बैठिए माँ जी, चलो। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बेटी, मैंने इस शहर में जब से कदम रखा है तब से हर एक से पूछ रही हूँ मेरे बेटे के बारे में, लेकिन कोई भी मुझे ठीक से जवाब ही नहीं दे रहा था। तुम बहुत अच्छी हो बेटी, तुमने मुझे इज्जत दी, मेरे साथ प्यार से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बताइए आपके गांव का नाम क्या है? तिरुनवेली जिला में मुनची पट्टी गांव में। आप अपने लड़के को ढूंढने के लिए अकेले आई हैं, वो कहाँ है ये भी पता नहीं है, क्या बात हो गई थी? आनंद बेटा, आनंद सागर, कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? अरे रे बेटा, पेड़ पर मत चढ़ो, नीचे गिर जाओगे, मेरी बात मानो। मैं बोलते जा रही हूँ और तू पेड़ पर चढ़ता ही जा रहा है, मान जाना बेटा। ना, अपनी माँ से नाराज है और क्या, सारा गांव मेरा नाच देखने आया था, तुम्हें बुलाया था, तुम नहीं आई। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। सच में बात नहीं करेगा? बात नहीं करूँगा। बात नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा करके तू बोलता ही जा रहा है। पापा की दवाई खत्म हो गई थी, दवाई लेने गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। क्यों, खुद ही जाकर नहीं ला सकते क्या? ए? उनकी तबीयत खराब है, जानता नहीं है, कमर दर्द भी बढ़ गया है, पता है ना तुझे? तू झूठ बोल रही है, उस दिन तू मेले में ले जाने वाली थी, नहीं ले गई ना? नए कपड़े दिलाने वाली थी, तूने दिलाए क्या? सिनेमा हॉल ले जाकर फिल्म दिखाने वाली थी, तूने दिखाई? चिढ़ा रही हो मुझे? इससे मैं भी बहुत सुंदर लग रहा है, नीचे आना बेटा। मुझे मस्का लगा रही हो? ठीक है मैं उतरता हूँ, पर तुम्हें नाचना होगा। मुझे नाचना होगा? अब मुझसे कैसे होगा बेटा? तो फिर मैं नीचे नहीं आने वाला। हे भगवान। तो भगवान को याद करके नाचना शुरू कर दे। We'll be right back.
बच पाऊंगी। मैं फिर चढ़ जाता हूँ पेड़। अरे मान जाना बेटा, मेरा प्यारा बेटा। चल ये कैसा है? बहुत अच्छा है। बाप, तुझे मनाने के लिए मुझे इसी तरह हमेशा नाचना पड़ेगा क्या? हाँ माँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा इसे पल्लू में बांध कर मत रखा करो, आखिर ये सीखेगा कैसे? गलती मेरी है तो फिर माँ को क्यों डांट रहे हो? तुमने मुझे चौथी कक्षा तक पढ़ाया, अगर 40वें तक पढ़ाए होते तो आज मैं कुछ कर रहा होता, है ना माँ? अरे हाँ बोलो ना। हाँ हाँ। स्कूल तो भेजा था मैंने तुम्हें, तुमने टीचर को अस्पताल पहुंचा दिया। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त जब मुझे भूख लगी तो माँ ने खिड़की से हलवा खिलाने की कोशिश की। हाँ, मेरे लाल। स्कूल में पढ़ाई करते वक्त खाना पीना नहीं चलेगा ये कहकर गुरुजी माँ को डांटने लगे। हाँ। तो मैंने पत्थर उठाकर गुरुजी के सर पे मार दिया। सुन, तेरी माँ घर पे तुझे खाना खिलाती है, स्कूल में भी खिलाएगी तो कैसे चलेगा? आप चुप हो जाइए, अगर वापस स्कूल भेजा होता तो मैं दवाई बनाकर आपकी खांसी नहीं ठीक कर देता। अरे बेटा, कोई चौथी क्लास तक पढ़े या 40वीं क्लास तक, मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। अरे रे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नाम लेने से आग थोड़े जलती है। चिलम पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो ना शरीर के लिए खराब है। अरे सुन, तू वो लेकर आया क्या? उसे ना दान पेटी में डाल दिया। चिलम को? नहीं, चिलम के पैसों को। पागल हो गया क्या? अरे उसको क्यों डांट रहे हैं? आपको तो खांसी है। हाँ। आप मुझसे दवाई मांग रहे हैं? हाँ। और इससे चिलम मांग? हाँ। रहे हैं? डरो मत मीनाक्षी, मुझे कुछ नहीं होगा, उसको बोलो ना चिलम लाने को, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। हाँ। दे दो पापा को। ओ हाँ, तुम इनकी बातों में फंस जाती हो और ये तुम्हारी बातों में फंस जाते, कैसे पति पत्नी हो। पापा आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। सुनो, मुझे मेरे बेटे की नजर लग गई, मेरी नजर उतारनी पड़ेगी। मुझे सफेद हो गई आपकी और नजर उतारने की बातें करते हो? आप तो नाटक में ही राजा बन सकते हैं, यहाँ पर नहीं, इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता। चलिए खाना खाइए। आप हमेशा से राजा हैं, मैं आपकी नजर उतारता हूँ। मेरा बेटा। Who lets that dog out? Whoa, whoa! Who is that dog out? Whoa, 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 whoa! कौन हो? पंचायत बोर्ड से आए हो क्या भाई? अरे हाँ, मैं मक्खी मच्छरों को मारने के लिए आया हूँ। किसी पंचायत बोर्ड से इस तरह कपड़े पहनकर कोई आया है क्या? क्यों मामा, आप मुझे नहीं जानते? कौन मामा? अभी भी नहीं पहचाना। कौन हो? आइए मीनाक्षी मामी, आपने मुझे नहीं पहचाना? चेहरा तो जाना पहचाना लगता है। सोचो, ऐसा लगता है कि तुम्हें कहीं देखा है, मगर तुम हो कौन? कैसे लोग हैं, अपनों को भी नहीं पहचानते। अरे आनंद। माँ ये कौन है? क्या यार, पूरे परिवार ने दारू पिया है क्या? जरा दिमाग पर जोर डालो ना। कमॉन। नहीं जानता। अरे भरे खेत खलिहान, दो मुट्ठी भर धान नहीं, भरा है दिल पर नियत नहीं, हरी है कोख तबीयत नहीं। सन्यासी आनंद, सन्यासी आनंद, सन्यासी। अरे ये तो अपना सन्यासी है, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कुर्सी तो बैठने के लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो। ये कैसा पैंट है, अपने भाई का पहन कर आ गए क्या? भाई का? मामा दूरदर्शन देखने से कुछ नहीं होगा, कभी कभी एमटीवी भी देखा करो। दिस इज बरमोड़ा। क्या मैं मनांजी पट्टी में रहने वाला हूँ? मैं मुंबई सिटी में रहता हूँ, वहाँ पर ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अब मैं सन्यासी नहीं, संतोषी हूँ। तेरे बाप ने तेरा नाम कितना खुश होकर रखा होगा, उसे बदल कर तू खुश रह सकेगा क्या? ए, वो गन नहीं है, कैमरा है। सन्यासी बेटा, शहर में तुम क्या काम करते हो? वो काम बापरे, काम
काम का क्या है, खुद का बिजनेस है, बहुत काम है। काम क्या है? ये लोग तो पीछे ही पड़ गए, वो अपना बिजनेस समझ में नहीं आया क्या? टोपी पहनाने का काम करता हूँ। टोपी की दुकान है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। वो क्या होता है? ये इंग्लिश है यार, तेरी समझ में नहीं आएगा, अब सवाल मत कर यार। ये लो बेटा चाय पियो। हाय हाय, कितना सुंदर लगता है मेरा बेटा। ए, ये चश्मा इसे दे देना। पहले कैमरा यहाँ रख दे। सन्यासी, तुम महीने में कितना कमा लेते हो? महीने में कितना कमा लेता हूँ ये कोई फिक्स नहीं है। पहले हफ्ते में ज्यादा पैसे मिलते हैं, आखिरी हफ्ते में सिर्फ टिकट मिलती है। फिर दिवाली दशहरे में बोनस मिलता होगा? हाँ, बोनस तो बहुत मिलता है, दशहरा के समय बोनस नहीं मिलता है मामा, लेकिन दिवाली में तो पर्स भर भर के मिलता है। शॉप के सेल में, इलेक्शन की भीड़ में, मंदिर के त्योहार में बहुत कमाई होती है। सारे त्योहारों में बोनस मिलता है, ये तो अलग तरह का काम लग रहा है। फिर तो मंत्री और पुलिस वालों को भी जानते होंगे। सही कहा मामा, पुलिस की नजर मेरे ऊपर 24 घंटे रहती है, अगर मैं मिल जाता हूँ तो खुश होकर ले जाते हैं। इतना प्यार करती पुलिस तुझसे? इतना ही नहीं, हर पुलिस वाले के ऑफिस में मेरी फोटो उनके फ्रेम में लगी रहती है। अरे बेटा, अपना काम मेरे बेटे को भी सिखा दे। अरे ये बिगड़ जाएगा आनंद, ये बहुत कठिन काम है मेरे भाई, इसे सीखने के लिए मैं चाइना गया था। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरे मुंह से सारा सच उगलवा लेंगे। मैं चलता हूँ मामा जी। बेटा खाना बनाती हूँ। मामी, आजकल मैंने राइस खाना बंद कर दिया है, सिर्फ पिज्जा, बर्गर, कभी कभी खिचड़ी, दाल बट्टा। अभी मेरा खाने का मूड नहीं है, मुझे जाना है मामा। तू कह रहा है तू बहुत सारा काम करता है, अपने लिए गांव में एक मकान क्यों नहीं ले लेता बेटा? अब मामा को मैं कैसे बताऊं कि मुझे रोज थाने में हाजिरी देनी पड़ती है। आप ये सब चिंता छोड़िए मामा, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। कहाँ है मेरे जूते, मेरे साथ भी चोट। तूने पहना है? चल, हरे भरे खेत खलियान, दो मुट्ठी भर धान नहीं। भरा है दिल पर नीयत नहीं, हरी है खोक तबीयत नहीं। मैं कभी कार में बैठा नहीं हूँ, मुझे घुमा देना, कहीं भी छोड़ देना, मैं आ जाऊंगा। चल बैठ। अरे ऐसे नहीं वे, इस तरह बैठना, पहले बताना चाहिए ना। कमाल का है यार। चल भाई। ए, बात तो कर रहा है, तार ओनर उड़े दुकान दे। क्यों आनंद, गाड़ी में बैठकर कैसा लगा? हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे लगा मैं हमेशा ऐसे ही चलता रहूं। तू भी मेरे साथ मुंबई चल, मुझे एक साथी की जरूरत है। मुंबई? हाँ, अभी नहीं, कुछ दिनों में पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो उनके साथ ही मुंबई आऊंगा। एक मिनट, मुंबई आके तो उससे कहाँ मिलूं? मुंबई आएगा ना तो कालवा देवी एक जगह है, वहाँ पर एक देवी माँ का मंदिर है, वहीं पर तू अगर आकर पूछेगा ना संतोषी, ए सन्यासी नहीं संतोषी, हाँ, पूछना। हाँ, तेरी आवाज देते ही मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। ये रख ले, तेरे काम आएगा। नहीं चाहिए। ए, रख लेना, मैं जल्दी में था ना इसीलिए तेरे लिए कुछ नहीं लाया, तुझे जो पसंद होगा वो खरीद लेना। लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। मेरा बेटा। ए, कोई मेरे बेटे आनंद सागर को बुलाओ जल्दी, वो अभी आ जाएगा, मैंने कहा है। प्यार कर ले नहीं तो पछताएगा रे, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा रे। माँ, तू मेरा इंतजार कर रही थी ना? मैंने सन्यासी से कहा माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, तो बोला चलो मेरे साथ बाद में चले आना, उसने सारा गांव घुमाया, मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ, वो सन्यासी है ना, वो कह रहा था कि अभी मेरे साथ मुंबई चलो। मैंने उससे कह दिया कि पापा की तबीयत ठीक हो जाए, फिर माँ पापा हम तीनों एक साथ मुंबई आएंगे। मैंने सही कहा ना माँ? मेरे जाने के बाद तुम लोग लड़ रहे थे क्या, इसीलिए नाराज हो दोनों? माँ, मैं अभी एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तू खुश होकर नाचने लगेगी, देखना चाहती क्या?
टटटन। देख ना माँ, ये ले पहन ले इसे। तूने कहा था ना पापा ने मंगलसूत्र के सिवा कुछ नहीं खरीद के दिया, इसलिए मैं ये मोती का हार लाया हूँ। माँ पैसा कहाँ से आया यही सोच रही हो ना? वो अपना सन्यासी है ना, उसने जबरदस्ती 100 का नोट डाल दिया, कहा अपनी पसंद की कोई चीज खरीद लेना। मेरे पास तो सब कुछ है ना माँ, इसीलिए मैं ये हार ले आया। सिर्फ तेरे लिए नहीं माँ, पापा के लिए भी कुछ लाया हूँ। क्या लाया हूँ बोल तो? हाँ हाँ, तू नहीं बता सकती, पापा उसे देखते ही फट से उठ जाएंगे। पापा मैं आपके लिए क्या लाया हूँ देखो तो, आपकी मनपसंद चीज है। हाँ टन टन, आपने एक मांगी थी ना, मैं दो दो लेके आया हूँ। ये क्या है पापा, छोटे बच्चे की तरह थूक गिरा रहे हो, चलो साफ करो। कोई बात नहीं, मैं साफ कर देता हूँ। आज मैं आपके मुंह में चुरुट रख के चलाऊंगा। हाँ पापा, माँ देखो ना माँ। माँ क्या हुआ माँ? अरे आनंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई है और तुम्हारी माँ को लोग परेशान कर रहे हैं। ए! सिंदूर मत पिटाओ, ये सब तो करने ही पड़ते हैं। देखो मेरी माँ की क्या हालत हो गई है। तो दुनिया के रीति रिवाज है। क्या रीति रिवाज है? हा? देख नहीं रही हो, मेरी माँ के हाथ से खून आ रहा है। नहीं चाहिए तुम्हारे रीति रिवाज, जाओ। तू कुछ नहीं समझता, तू हट यहाँ से। मैं नहीं हटूंगा। लगता है ये बात नहीं मानेगा। माँ तेरे हाथ में खून, तुझे दर्द हो रहा है ना? पापा नहीं है इसलिए ये लोग तंग कर रहे हैं तुझे। मत रो माँ, माँ मत रो। ये चूड़ी टूट जाती इसलिए लोग तोड़ रहे हैं ना? मैं कभी ना टूटने वाले चूड़ी लेकर आऊंगा, तू देखना माँ। 16, 17, 18 ये क्या है? सेठ जी ये सब रख लो और मुझे वो कंगन दे दो। चिल्लर के बदले सोने के कंगन चाहिए? जा जा वहाँ मार्केट में प्लास्टिक के कंगन मिलते हैं, जाकर खरीद ले। मुझे वो नहीं चाहिए, सिर्फ वो कंगन चाहिए। अरे इतने पैसे में कंगन आते हैं क्या, पागल हो गया है? मुझे यही चाहिए। ए, ए, रुक रुक, ए, आनंद क्या कर रहा है? ए, देखो ये माँ पहन ले इसे। ये कहाँ से? अब लोग कैसे तोड़ेंगे देखता हूँ, अगर उनमें ताकत है तो तोड़ के दिखाए, कोई भी नहीं तोड़ सकता इसे। ये गलत है बेटा। ए मीनाक्षी, मेरे लाख मना करने के बाद भी ये नहीं माना और कंगन उठाकर भाग आया। ये तूने क्या किया बेटा? तू रुक माँ। हे भगवान, हे सुन सुन। क्यों आप सब मेरी माँ को रुला रहे हो? मैं चोरी करके लाया हूँ, पैसे देकर लाया हूँ ना। अरे तूने जो पैसे दिए थे उसमें तो नथनी भी नहीं आती, ये ले पैसे। माँ इनको चूड़ी मत दो माँ। माँ बेटा आनंद सुन, तू अपनी माँ को सोने के कंगन देना चाहता है ये गलत बात नहीं है। तू मेहनत कर, कमाई कर और अपनी कमाई से कंगन खरीद। माँ क्यों उसको कंगन दे दिए, बोल ना माँ क्यों दे दिए कंगन?
मैं तेरे प्यार को समझती हूँ। दूसरों की चीज पर नजर नहीं रखनी चाहिए, ये गलत है बेटा। तू जब कमाने लगेगा ना, तब माँ को कंगन पहनाना। भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं, तो जीने के लिए रास्ता भी दिखाएगा। तू जब खुद कमाएगा ना, तब माँ को कंगन पहनाना। तू जब खुद कमाएगा ना, तब माँ को कंगन पहनाना। तू जब खुद कमाएगा ना, तब माँ को कंगन पहनाना। उतरो उतरो उतरो, मुंबई मुंबई, उतरो उतरो मुंबई, जल्दी करो जल्दी करो, मुंबई मुंबई। इसी तरह से वो वहां से यहाँ चला आया। ठीक है बेटी, अब चलती हूँ। क्यों माँ जी? मुझे मेरे बेटे को ढूंढना है ना, अब बारिश भी रुक गई है, मैं चलती हूँ बेटी। कहाँ जाओगी माँ? मैं मेरे बेटे को ढूंढने आई हूँ ना, उसको ढूंढकर गांव ले जाना है, मैं चलती हूँ बेटा। इतनी रात में कहाँ जाएंगी? आपके लड़के को ढूंढने के लिए मैं मदद करूँगी, आपकी तबीयत खराब है, बाहर ठंड में जाएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। पहले मैं आपको गर्म कॉफी देती हूँ, ठीक है ना? नहीं चाहिए बेटी। यहाँ बैठिए। नहीं बेटी। फिर वहाँ बैठेंगी? अब मैं वहाँ नहीं, नीचे ही बैठ जाती हूँ। ओके, आपको यही अच्छा लगता है तो यहाँ बैठिए आराम से। हाँ मैं जाके कॉफी लाती हूँ। ठीक है। अरे तुम कौन हो? कौन हो? मीनाक्षी। मीनाक्षी? मदुरई की मीनाक्षी? गांव का नाम बताओ। मुनंजी पट्टी। मुनिम जी का पेट? ये क्या है? पेट नहीं, मुनंजी पट्टी। तिरुनवेली है ना, तिरुनवेली जिला। हाँ। क्या कहा? जिला। ठीक है छोड़ो, तुमने बराबर जवाब दिया। तुमने मुझे इज्जत भी नहीं दी और मुझे नमस्ते भी नहीं किया। ओ तो नमस्ते करना है क्या? नमस्ते भाई। कौन हो तुम बेटा? क्या कहा? मैं कौन हूँ? यहाँ आओ सब लोग। अरे दादी को ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, इन्हें मेरे बारे में बताओ। हरीश। दादी हमारे घर में एक हॉर्लिक्स की बोतल थी, उसको चोरी करके ये सब अकेले ही खा गया। दादी परसों मेरे भाई का जन्मदिन था, केक कटने से पहले ही ये अकेले सब खा गया। धोखेबाज हो तुम लोग, मैंने तुम लोगों को भी दिया था। तुमने सिर्फ 10% दिया था। धोखेबाज? ये धोखेबाज। दादी उनकी बातों पे भरोसा मत करना, मेरा पेट देखो, मैं इतना खा सकता हूँ क्या? मैं इतना नहीं खा सकता, वो सब झूठ बोल रहे थे। क्यों रे झूठ बोल रहा है? तुझे मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। गेस्ट के सामने बेइज्जती करती है, मैं तेरे को देख लूंगा। अच्छा? अरे राक्षस मुझे मारने आ रही है, भागो। आना इधर। तुम्हारा भाई है क्या? बाप रे ये मेरा भाई? इस तरह का भाई होगा ना तो घर वाले गए काम से। पी लो आराम से, आराम से पी लो। मेरा एक ही बड़ा भाई है, वो भी अमेरिका में है, मेरे पेरेंट्स उसे ही मिलने गए हैं। मेरे पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए इसे ही कहा है। इसीलिए बार बार आके मुझे धमकी देता रहता है। सुरी सुरी, मैंने अभी भी वकील से बात की है, हम लोग बल्लू को बेल दिलाकर बाहर लाए क्या? तू क्या पागल हो गया है? उसने देवा का कत्ल किया है, उसे बाहर लाने के लिए कह रहा है। हाँ थटा, हर बात पे गुस्सा करता है। तूने कहा था जेल में हमारे आदमी उसे खत्म कर देंगे, अब क्या हुआ है? ए, हमेशा पुरानी बातें करता है, अभी क्या करना है वो बोल। बल्लू को बेल पर बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसे जब चाहेंगे अपनी मर्जी से खत्म कर देंगे। हाँ, ये प्लान भी सही है। बोलो। ठीक है मैं देखता हूँ। उस बल्लू की केशव खुद बेल करवा रहा है। यही है
है मेरा बेटा। आपके बेटे का नाम क्या है? आनंद, आनंद सागर नाम है। मेरी तरह खूबसूरत है क्या? सामने देखोगी तो और भी खूबसूरत है। सही कह रही है। ए श्वेता, हाँ। तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? पुलिस ने खूनी बल्लू को अरेस्ट किया था। हाँ। वो बेल पर बाहर आ रहा है। हम उससे मिलेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज बनेगी। बल्लू जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद, बल्लू जिंदाबाद। तुझे क्या लगता है, उसका इंटरव्यू ले पाएंगे? इन गुंडों के बीच में अगर इंटरव्यू लेने गए ना, तो हम लोग गए काम से। कल सुबह के न्यूज़पेपर में हमारी फोटो छपी होगी कि हम नहीं रहे। आज का दिन तो गया। अगर आज हम इसे ढूंढने जाते तो शायद मिल जाता, और फिर उसके माँ के पास ले जाते तो वो बेचारी खुश हो जाती। अब ये लोग बल्लू को कहाँ ले जा रहे हैं? चलो चलते हैं यहाँ से। आओ बल्लू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। 10 लोग तेरे साथ घूमते हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आओ बैठो। चाचा तुम भी बैठो। ए, ए, अरे मुझे बिठाओ रे। बाप रे। सुनो वकील, तुमने बता दिया ना? मैंने बता दिया है, मगर ये ठीक से जवाब नहीं दे रहे, आप ही बता दीजिए ना। बल्लू कल बहुत अच्छा दिन है, कल सुबह मेरे पास आना और मेरे साथ काम करना और मेरे साथ ही रहना। मैं तो चाचा की दुकान में काम कर रहा हूँ ना। आप हंस क्यों रहे हो? इतने दिनों तक तूने चाचा की दुकान पे काम किया था, कोई बात नहीं, लेकिन आज तू इस शहर का बहुत बड़ा वीआईपी बन गया है। अब तू चाय की दुकान पर जूठे गिलास धोकर टेबल साफ करेगा क्या? ये तुझे शोभा देगा क्या? कादर भाई समझाना इसे जरा। देखो इनकी बात एकदम सही है, लेकिन फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने फैसला कर लिया है, चलो दुकान पर। रुक जाओ, केशव जी के साथ राजा बन के रहेगा, मेरे साथ क्या मिलेगा? वही चाय की दुकान, वही भट्टी की गर्मी, ये सब झेलना पड़ेगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, अगर आपको तकलीफ है तो मैं दूसरी दुकान ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। मेरी माँ ने कहा है, दूसरों को मार पीट के बिरयानी खाने से अच्छा है खुद की मेहनत की कमाई से दाल चावल खाओ। मुझे मार धाड़ पसंद नहीं है। बल्लू अरे तुम्हें क्या तकलीफ है मुझे बताओ? आज बल्लू बोले तो सब लोग जानते हैं, तूने आज बहुत नाम कमा लिया है, और जब तक नाम रहेगा पैसा छाप मेरे भाई, इसी को माइंडिस्ट कहते हैं। मुझे नाम और पैसे दोनों नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मैं समझ गया, तू मेरे साथ काम नहीं करना चाहता है, जाने दे, मैं तेरा चेला बनकर रहता हूँ, ये चलेगा तुझे? मेरी बात सुनो, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, किसी का शिष्य भी नहीं हूँ, और मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। मैं गाँव जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलने, चलता हूँ। अरे ओ, अरे तू गाँव जाएगा कैसे? बोल वकील इसको। सुनो बल्लू, तुम अभी जमानत पे बाहर आए हो, केस अभी भी चल रहा है, जब तक केस खत्म नहीं होगा तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। रोज सुबह शाम पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हें दस्तखत करने पड़ेंगे, पता है ना? ये सब मैं जानता हूँ, चाचा ने मुझे बताया है, केस खत्म होने तक मुंबई से बाहर नहीं जा सकता, पर इनके साथ काम करने के लिए तो नहीं कहा ना। चलो चाचा चलते हैं। लगता है बहुत कड़क बिस्कुट है, बाद में चाय में डुबो कर। ए प्रिया चल ना फिल्म देखने चलते हैं, सब चलोगे ना? ए वहाँ देखो, इंग्लिश फिल्म की तरह क्या मस्त फाइट चल रही है। अरे ये तो तेरा लवर भास्कर है ना? ये तो वही है, मेरा भाई उसे पीट रहा है। बाप रे बाप, पकड़ इसे। अगर मेरे भाई ने मुझे इस हाल में देख लिया तो मुझे मार डालेगा। ए बिंदी दे। मैंने क्या किया? तू मेरी बहन से शादी करेगा? मेरी बहन से शादी करेगा तू? कराता हूँ तेरी शादी। यही तुझे तंग करता है ना, यही तेरे पास बार बार आकर तुझसे प्यार करने के लिए बोलता है ना? ये झूठ बोलता है ना? सच बता, तू इसे प्यार नहीं करती है ना? तू एक बार बोल इसे प्यार नहीं करती है, इसे यही खत्म कर देंगे। प्यार करेगा? इससे प्यार करती हूँ। छे, यहाँ तो उल्टी कहानी चल रही है। मेरी बहन इस तरह की लड़की नहीं है, मेरी माँ ने ऐसी परवरिश नहीं की उसकी। हाँ अब मुझे पूरा समझ में आ गया, अगर तू इससे प्यार नहीं करती है ये बोलेगी तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा, इसी बात के लिए डर रही है ना? अभी क्या करें? इस लफंगे को तो मैं। ए, छोड़ी से, क्यों मार रहे हो इसे? क्या तमाशा है? ये हिंदी में बता रही है ना कि प्यार करती है, तुझे समझ में नहीं आ रहा? तुमने कोई गलती नहीं की है तो मार क्यों खा रहे हो? मार इसे, मार। तू मुझे जानती है? जानती है मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? जानती है तू? मैं कौन हूँ? मेरे बारे में बता इसे। अब मैं क्या बोली? बल्लू की दोस्त? अरे बता नहीं इसे। मैं कौन हूँ पता है? कौन है तू? मैं कौन हूँ पता है? कौन है? बल्लू के बारे में जानते हो ना? बल्लू के बारे में? बल्लू की लवर। अरे बहन गलती हो गई बहन। अरे सब लोग नमस्ते करो दीदी को। नमस्ते।
मैंने इन दोनों को मिला दिया, आप बल्लू भाई से बोल देना ठीक है। मेरा नाम सावन बताएंगी तो वो समझ जाएंगे। चलता हूँ दीदी, चलता हूँ दीदी, बता देंगे ना। थैंक यू दीदी, अबे चल ना, अबे चल। उस बल्लू को थैंक्स कहना चाहिए। वहाँ देख, वो हमें घूरे जा रहा है। शक्ल से तो गुंडा लगता है। मुझे तो लग रहा है कि वो जरूर बल्लू का आदमी है। बाप रे, कल के पेपर के हेडलाइन में हमारा नाम आएगा। लगता है हम फंस गए। एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, शायद यही ठीक होगा। मैं तो पहले से ही भाग गई हूँ। ये क्या कर लेगा, चल देखती हूँ। भगवान बचाओ। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? शायद बल्लू को तो जानते ही होगे ना, मैं उसकी लवर हूँ। भाभी, भाभी, बल्लू मेरा भाई है तो आप मेरी भाभी हुई ना। उठ जाओ, हाय भगवान। भाभी, 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 भाभी रुके तो, रुको तो, रुको तो। आप चल के जाएंगे तो भाई को पता चलेगा, मुझे मार डालेगा। आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, भाई को पता चलेगा, मुझे मार डालेगा। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। मैं दूसरी ऑटो में जाऊंगी। नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। भाभी आप रुकिए, अगर आप मेरे ऑटो में नहीं बैठेंगी तो बल्लू मुझे मार डालेगा। आइए ना भाभी। तुम मुझे पका रहे हो। नहीं नहीं भाभी, ये ऑटो मेरा नहीं है, आपका है। आप अपना ऑटो सोच के इसमें बैठिए ना। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो भाई। दुकान में है या पुलिस स्टेशन में, ये पता नहीं है। तुमने ऑटो यहाँ क्यों रोका? चाय पीनी है? नहीं भाभी, वो जा जल्दी पी के आओ। भाभी आपका घर है ना? मेरा घर? हाँ भाभी, मेरा घर कांदिवली में है। भाभी आपका घर, भाई का घर एक ही है ना। कौन है तेरा भाई? मैं तेरे भाई को नहीं जानती। भाई कौन? अगर भाई से आप नाराज हो तो मुझे दो थप्पड़ मार लो। चलो हटो, तू और तेरा। अरे भाभी ये क्या, आप तो नाराज हो रही है। देखो भाभी, आप तो नाराज देखकर भाई खुद ही आ रहे हैं। भाभी भाई को बोलना कि आप चंदू के ऑटो में आई हो। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी, इसका इंटरव्यू लूंगी तो सेमेस्टर में पास हो जाऊंगी। ए छोटू, जरा माचिस तो दे मुझे। क्या कहा, मैं तुझे माचिस हूँ क्या? सुन ले बल्लू, अगर नियम से देखा जाए ना तो मैं तुझसे 4-5 दिन का सीनियर हूँ। जूनियर होकर माचिस मांगता है, शर्म नहीं आती? ए ज्यादा नियम की बात मत कर, तुझे माचिस देनी है तो दे, वरना मत दे, मैं खुद ही आकर ले लूंगा। और सुन, ज्यादा बात करेगा ना तो माचिस में डालकर तुझे भट्टी में डाल दूंगा। हेलो मिस्टर बल्लू, मिस्टर बल्लू। क्या हुआ, क्या बात है? मुझे जरा बल्लू से बात करनी है। सुनो बल्लू, जाओ तुम अंदर जाओ। उसे अंदर क्यों भेजा, मुझे उसे बात करनी है। अब बताओ तुम हो कौन? सर मेरा नाम श्वेता है, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। ओहो अखबार वाली हो, बोलो क्या बात है? बल्लू से मुझे एक इंटरव्यू लेना है। उसके बारे में यही लिखोगी ना कि मुंबई का एक नया गुंडा पूरे मुंबई को डराने आया है, वो हथियार चलाने में माहिर है, किडनैप करता है और आतंकवादियों के साथ उसका संबंध है, यही लिखोगी ना? और उसे पढ़कर लोग उससे डरने लगेंगे। क्यों करती हो ऐसा, एक अच्छे आदमी को अच्छा आदमी रहने दो ना। सर सब प्रेस रिपोर्टर एक जैसे नहीं होते, बुरे को अच्छा लिखे तो वो अच्छा आदमी बन जाएगा क्या? मेरे अनुभव से आधी भी नहीं है तुम्हारी उम्र। देखो बेटी, मैंने अपने बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए हैं। हाँ? और एक बात बताऊं, तुम जैसा सोच रही हो बल्लू वैसा आदमी बिल्कुल नहीं है, वो इंटरव्यू नहीं देगा। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। कौन थी चाचा वो लड़की, मेरा नाम लेके आपसे क्या पूछ रही थी? तुम्हारे बारे में पेपर में लिखना चाहती है। हाँ? आजकल तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं, अखबार वाले आ रहे हैं, बहुत चर्चे हैं भाई तुम्हारे, बहुत बड़े गुंडे बन गए हो। इतना बड़ा गुंडा होकर जूठे बर्तन धोता है, शर्म नहीं आती? मुझे गुंडा बनने की क्या जरूरत है? वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं पता है? क्यों आ रहे हैं? यहाँ अच्छे से काम कर रहा हूँ ना, तो मुझसे जलते हैं वो लोग और मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे ये काम पसंद है, मैं यहीं रहूंगा। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। सुनो बल्लू, इस शहर में बड़ा आदमी बनने के तीन ही रास्ते हैं, या तो राजनीति में चले जाओ, या सिनेमा के हीरो बन जाओ, या अपने हाथ में तलवार उठा लो। राजनीति में जाने के लिए, हीरो बनने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, पैसा भी खर्च होता है, और जो तीसरा रास्ता है वो बहुत आसान है। शहर के सबसे बड़े गुंडे को खत्म करके एक दिन के लिए जेल चले जाओ तो इस शहर के सबसे बड़े गुंडे बन जाओगे, जैसे तू बन गया। मुझे इसकी क्या जरूरत है, मैं मेहनत करके अपना पेट पाल रहा हूँ ना। ये तुम्हारी सोच है लेकिन दुनिया की सोच अलग है। देखो बल्लू, अब तुम्हें बहुत संभल के रहना होगा, और देखो मेरी जानकारी के बिना किसी से बात मत करना, कुछ भी मत बोलना, तुम्हारी भलाई के लिए बोला, समझ गए ना? थोड़े दिनों के लिए मेरी खातिर। इतने दिनों तक आपने उसे छोड़ रखा था, अभी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, अगर बल्लू मिल गया तो उसको वहीं पर खत्म कर दो। सर और कितने दिन तक?
बल्लू केशव की छत्र छाया में है, वो कहाँ जा रहा है ये सब बराबर नोट करके उसको सावधानी से खत्म कर। भाई मुझे जल्दी गांव जाना है सर, वहाँ से मिलना है। हम ये सोच रहे थे कि बल्लू केशव के पास है। तो फिर वो कहाँ है? वो तो कादर भाई की दुकान पर है। पहचान वाला है, उसकी तस्वीर और पता इसमें है, अगर आप देखें तो मदद कीजिए सर प्लीज। अगर वो मिले तो मुझे फोन कीजिएगा सर। इसको कहीं देखा है मैंने। बल्लू सेंसेशनल कंट्रोवर्सी। सर 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 आप ही बल्लू है ना? हाँ मैं करेक्ट हूँ। सर 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 मैं आपसे मिलना चाहती थी पर मिल नहीं पाई। सर मैं आपका इंटरव्यू देना चाहती थी लेकिन वो चाय वाले चाचा इंटरव्यू देने लग गए। सर आप इतने बिजी रोड पर अकेले कैसे चल रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा? आपको देखकर तो सब डर जाते होंगे। सर मैं आपसे चलते हुए आपसे सवाल पूछती हूँ। पहले हम आपके बायोग्राफी से शुरू करते हैं। आपके गांव का नाम क्या है? अरे मैं टेप रिकॉर्डर लाना भूल गई। एक मिनट सर आप इंतजार कीजिए मैं आ रही हूँ। प्रिया टेप रिकॉर्डर दो, टेप रिकॉर्डर जल्दी, वो देख बल्लू जा रहा है, जल्दी देना। वो देख मैं वहाँ। Oh my God, you idiot! भाई साहब मुझसे गलती हो गई। Stop it! मुझे माफ कर दीजिए। Oh, dirty fellow! गाली देना है तो दीजिए पर हिंदी में दीजिए ताकि समझ में तो आए। You spoiled my dress, man. मैं कपड़े साफ कर दूंगा आपके। Nonsense! Hey, what are you doing? Hey, hold it! What are you doing, यार? अरे यार, अपने आप को क्या समझ रहे हैं अंग्रेज की औलाद? मुझे 5 वाला स्टैम्प चाहिए। क्या बात है, हमेशा इस पोस्ट ऑफिस में भीड़ होती है लेकिन आज तो भीड़ नहीं है। अरे ये तो बल्लू है। वहां से भागकर अब तुम यहाँ आ गए? मैंने ऐसे कौन से सवाल पूछा जो भागकर यहाँ आ गए? मैं हूँ, डरिए मत। लिखिए लिखिए, जब आपका हो जाए तो पेन मुझे दे दीजिएगा, एड्रेस लिखना है। ओके। अरे वाह, आप रोड पे अकेले जा रहे थे लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि आपके पास इतने बॉडीगार्ड हैं। आप बहुत बड़े आदमी हैं सर। आप क्या लिख रहे हैं सर? ए, वो उसकी लवर है रे, उसको ज्यादा घूर मत। प्यारी माँ को सादर प्रणाम। ओ प्यारी माँ को, ठीक है ठीक है। मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ। हाँ आप तो बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी हिंदी तो खराब है। आपको हिंदी कौन सिखाएगा? ठीक है आपका पर्सनल मैटर है। मैं क्यों टांग अड़ाऊ, हो जाए तो पेन देना। अरे आप क्या कर रहे हो, गम तो यूज कर सकते हो ना। अरे मैं हेल्प यू सर, सर आपसे एक जरूरी बात करनी है सर, प्लीज सर। सर आप गूंगे हैं या मौन व्रत है? लड़कियों से बात नहीं करेंगे या पोस्ट ऑफिस में बात नहीं करेंगे? बोलिए सर। सर मैं इतना चिल्ला रही हूँ, इज्जत के लिए दो बात मुझसे नहीं करेंगे क्या? चाचा वो लड़की जो कर रही ठीक नहीं कर रही है। कौन सी लड़की? वो जो मेरे बारे में पेपर में लिखना चाहती थी, वो लड़की। ओ क्या बोली वो? मार्केट में मुझे देखते ही मेरे पीछे पड़ गई। पीछे पड़ गई? अकेले बात करना चाहती है। प्यार का खेल शुरू हो गया। तुमने कुछ बोला तो नहीं? आपने कहा था ना कि सावधानी से रहना, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक किया, जाके अंदर सामान रख दो। जो बात ये चाचा से बोल रहा है वही बात सीधी तरह मुझसे आकर बोलता तो क्या होता, डिटेल में पूछता हूँ। किस जगह पर? क्या उस लड़की ने किस जगह पर धक्का मारा?
अरे हम लोग जहाँ से नारियल खरीदते हैं ना, अच्छा, उस दुकान के पहले। मैं ये नहीं पूछ रहा, हाँ, उस लड़की ने तुम्हारे बदन पर कहाँ धक्का मारा? यहाँ कंधे पर। जानता है, छिपकली बदन पर गिरे तो मनुष्यत आती है, उसी तरह लड़की भी। तू रहने दे, मैं देखता हूँ। कल से तू मार्केट मत जाना, मैं जाऊँगा। तू यहाँ रहकर आटा पीसना, ठीक है? बड़ा किस्मत वाला है, अच्छी अच्छी लड़कियाँ इसे ही फंसती है। छोड़ो, ये कब आया था? ओ, क्या है कि मैं भूल गया चाचा। मारू, जाके सफाई कर। ए बल्लो। हाँ चाचा। पता नहीं चाचा को क्या हो गया, एक चिट्ठी के लिए इतना गुस्सा करता है। काम करते समय भी बकबक करता है। मारो मत ना। सुनो आनंद, मैं पोस्टमैन मामा जी तुम्हें खत लिख रहा हूँ। तुम्हारा लेटर मिलने से पहले तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढने के लिए मुंबई चली गई। वो तुम्हें ढूंढने के लिए बेचारी कहाँ कहाँ भटक रही होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारी उससे मुलाकात हुई या नहीं। क्या हुआ बल्लू? मेरी माँ मुझे ढूंढने के लिए मुंबई आ गई है। मुंबई कैसे आ गई? पता नहीं, मेरी चिट्ठी मिलने से पहले ही वो वहाँ से निकल गई। वो तुम्हें ढूंढने आ रही? मेरे गांव के पोस्टमैन ने मुझे चिट्ठी लिखी। तुमने दुकान का पता लिखा था? अगर यहाँ का पता लिखा होता तो किसी को भेजकर मुझे बुला लेती, इसलिए पता नहीं लिखा था। ये तुमने क्या कर दिया बल्लू? इतने बड़े शहर में तुम्हें कैसे ढूंढेगी वो, और हम भी उनको कैसे ढूंढेंगे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। आज तक बगल वाले गांव में भी मेरी माँ अकेले नहीं गई, अब इतने बड़े शहर में मुझे कहाँ ढूंढेगी, कहाँ भटक रही होगी। अरे माँ जी, आप यहाँ पे कैसे? मेरे बेटे के बारे में कोई खबर मिली क्या? ये देखिए माँ जी, आपके बेटे की तस्वीर और पता इसमें छपा है। ये मैंने सबको दे दिया है। इसमें मेरा फोन नंबर और एड्रेस भी है, अगर किसी को खबर मिलेगी तो मुझे पता चल जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे के बारे में कभी भी फोन आ सकता है। आप घर से मत निकला कीजिए। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाएगा तू। छोड़ो चाचा, मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो। मुझे जाना है अपनी माँ को ढूंढने के लिए। कहीं नहीं जाएगा। क्या देखना? अभी मत जाओ, कल चलेंगे, हम सब मिलकर ही माँ को ढूंढेंगे। ए, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा माँ को, किसी की जरूरत नहीं। चाचा, ये लोग कौन है? मार्केट जाते वक्त मेरा पीछा करते हैं, अभी यहाँ मेरे पीछे है, कौन ये लोग? ए, क्या चाहते हो तुम लोग? मारना चाहते हो मुझे? मारो, मार डालो मुझे। चाचा, इसको समझाइए आप। क्या चाचा, क्या बात है? तू केशव के साथ रहता तो सूरी के लोग तुझ पर हाथ नहीं उठाते। तू उनके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन केशव ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए इनको तुम्हारे साथ भेजा है। तुम्हें जेल में खत्म करने के लिए सूरी ने प्लान किया था, तुम बच गए। तुम्हें जाल में फंसाने के लिए सूरी ने प्लान किया हुआ है, तुम्हें कुछ न हो इसलिए हम तुम्हारे साथ रहते हैं बंधु। ए हाथड़ा, मैं यहाँ काम करने आऊँ, किसी से लड़ने नहीं। मुझे ढूंढते हुए मेरी माँ मुंबई आ गई है, मुझे अपनी माँ को किसी भी तरह ढूंढना है और उससे मिलना है। अपनी माँ से मिलना है कि नहीं? तो उसके लिए क्या, मुझे चाकू रख के घूमना पड़ेगा? ये नहीं हो सकता। रुक जाओ, जाने अनजाने एक बार तुमने चाकू उठा लिया है इसलिए तुझे हमेशा खतरा रहेगा। जिंदा रहेगा तभी अपनी माँ से मिल पाएगा ना, इसके लिए दोबारा चाकू उठाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं उठाएगा तो कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा, वो तुझे ढूंढते ढूंढते किसी प्लेटफार्म पर किसी अनाथ की तरह मर जाएगी। चाचा, मैं इस वक्त के हालात बता रहा हूं। माफ कर दो चाचा, माँ के लिए बोला इसलिए गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें जीना है अच्छी तरह से जियो, और इसके लिए इनकी बातों को मानना गलत नहीं है। तुम सूरी के बारे में नहीं जानते। पाप रे, सूरी सूरी सूरी, वो बहुत बड़ा गुंडा होगा, लेकिन मैं गुंडा नहीं हूँ चाचा। मैं उसके पैर पकड़कर कल माफी मांग लूंगा। तुम्हें देखते ही माफी मांगने से पहले ही तुम्हें मार डालेगा। ए, चुप हो जाओ, तुम लोग मुझे कुछ मत बोलो। तुम लोग चाकू उठाओ, मारपीट करो, कुछ भी करो, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मैं जा रहा हूँ।
माँ बल्लू अपनी माँ को ढूंढने जा रहा है, इतनी रात को अपनी माँ को कहाँ ढूंढेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाहर निकलूंगा तो मारा जाऊंगा कह के डरा रहे हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। एक आइडिया दू बल्लू। से मिलना है तो जिंदा रहना पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए चाकू उठाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? कौन थे? कुछ तो बोल, बताना कौन थे वो लोग बोल। बल्लू यहां पहुंच गया है, छोड़ना मत उसे, खत्म कर दो उसे, छोड़ना मत, मार डालो, आते चला। देखो घबराओ मत बल्लू, घबराओ मत। देखो बल्लू, हाथ में चाकू उठा लिया ना, अब तू माँ से जरूर मिल पाएगा। मुझे माँ जरूर मिलेगी ना? हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी। आनंद, तू किसको ढूंढ रहा है? माँ को ढूंढ रहा है? मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ ना। तू चाहता था ना मैं तेरे लिए नाचूं? ले मैं नाचती हूँ। Thank you.
ए गाड़ी रुको। आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है? मैंने आपके साथ सारी बातें करके एडवांस देके एग्रीमेंट करके दुकान ली है। आपको बराबर भाड़ा भी देता आ रहा हूँ। मेरी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ हुई है क्या? एग्रीमेंट के मुताबिक 1 साल 7 महीने तो अभी बाकी हैं। अभी आप अचानक अभी अभी तो पिकअप लेना शुरू किया था, अभी खाली करने के लिए कहेंगे तो नई दुकान कैसे ढूंढूंगा मैं? पागल बुड्ढे, क्या साथी तेरे को नई जगह ढूंढ के देंगे? अरे यहाँ पर रेलवे ट्रैक आ रहा है, इसलिए इस जगह की कीमत बढ़ गई है। शांत हो जाओ। तो मैं अब क्या करूं? अभी जगह को बेचने का सही समय है। आपके दुकान के पीछे की जगह मैं बेच चुका हूँ। अभी आप दुकान खाली नहीं करेंगे तो सामने वाला पैसा नहीं देगा और मुझे पैसा नहीं मिलेगा। मेरी प्रॉब्लम ये है। सुनो, अपना एडवांस वापस लेके जा, ऐसा ये कह रहे हैं। लेके जा और दूसरी जगह ढूंढ। एग्रीमेंट खत्म हो गया ये समझ ले। क्या बोला? ये कैसे हो सकता है? एग्रीमेंट बनाते समय तू साथ में था क्या? दस्तखत किए थे? सुनिए पीरामल जी, अगर मैं केस लेकर कोर्ट में गया ना तो जीत मेरी होगी। तू कोर्ट जाएगा? यहाँ एक ही कोर्ट है, सूरी कोर्ट, समझा? बल्लू तेरे साथ है इसलिए तू हिम्मत कर रहा है। इज्जत से जगह खाली कर दे, नहीं तो मैं तुझे खाली कर दूंगा। जा, जाकर बोल दे बल्लू को। सभी जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन सूरी कहीं पर नहीं मिला। केशव के आदमी उसके साथ हैं क्या? भाई भाई भाई, सूरी सूरी आया भाई, भाई सूरी सूरी। सब लोग अपना अपना हथियार निकालो, हथियार चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, नहीं जाना चाहिए, चलो अरे जाओ, जाकर हथियार लाओ। आज इसे नहीं छोड़ूंगा। रुको केशव, तलवार लेकर कहां जा रहे हो? बस ऐसे ही, हथियार बहुत दिनों से काम में नहीं आया था ना, इसीलिए इस पे जंग लग गया है। धार लगाने की सोच रहा हूं। इस पे धार लगा रहे? क्या बात है सर, आप यहां पर कैसे आए? सूरी तुमसे समझौता करना चाहता है। समझौता करेगा? अरे ये मेरे साथ रहता था और इसने मुझे ही धोखा दिया, धोखेबाज। केशव, सूरी कौन है? तुम्हारा ही चेला है। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन माफ करेगा उसे? मुझ में अकल नहीं थी, मैंने गलती की। इंस्पेक्टर सर, ये देवा के साथ मिलकर मुझे खत्म करने का सोचा था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तो देवा भी नहीं है, तो ये आपके साथ आकर सही वक्त देखकर मुझे खत्म करके मेरी जगह लेने की सोच रहा है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं। खैर छोड़िए सर, क्या लेना पसंद करेंगे? केशव, मैं ड्यूटी पर हूँ। अरे सुनो भाई, यहाँ पर आओ, 4 गोनी बासमती चावल साहब जी की गाड़ी में डाल दो। ठीक है, गुरु चेला को मिलाने यहाँ आया हूँ। सुन लो, तुम दोनों ध्यान रखना, आपस में लड़ना नहीं। केशव,
बाद में मुझे फोन करना। भाई साहब मुझे देखिए गलती हो गई है, मुझे आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे, गलती हो गई है। नाटक मत कर, मुझे पता है तू कोई बहुत बड़ा प्लान करके आया है। नहीं 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 भाई साहब मुझ पर शक मत कीजिए, मैं आपका नौकर हूँ, भाई हूँ, मैं आपका भाई हूँ। ठीक है लेकिन तू आया क्यों है भाई? एक छोटी सी बात है। क्या? उस बल्लू को मेरे रास्ते में नहीं आने के लिए कह दीजिए, सचमुच मैं भी उसके काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। आप एक बार उसको बोल दीजिए, वो आप ही की बात मानता है सर। अब समझ में आया चूहा क्यों बिल्ली से गिड़गिड़ा रहा है। बल्लू के साथ जाओ बोलकर आप सूरी के साथ रिश्ता रखते हो। केशव जी ये सूरी लोमड़ी की तरह है, उसने आपसे समझौता किया है तो कुछ ना कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। कैसे बड़ा प्लान करेगा वो, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसके पहले वो मेरे पास यहीं पड़ा रहता था। पुरानी बातें भूल गए हैं क्या? उसने आपको धोखा दिया ये भी भूल गए? है मैं कैसे भूल सकता हूँ रे? आप पुरानी बातें भूल सकते हैं, हम नहीं भूलेंगे, अब की बार उसे नहीं छोड़ेंगे। भाई ये बिल्कुल सही कह रहा है, आपने जो भी काम किया है वो सब गलत है। मेरी बात सुन, वो कह रहा है कि मैंने गलती किया है, मुझे माफ कर दो, पैर पकड़ कर गिड़गिड़ा रहा है, फिर क्या करूं मैं? हैं? तू क्या बोलता है बल्लू? सुनिए मैं किसी के लफड़े में नहीं पड़ता, पर मेरे काम में कोई टांग अड़ाएगा तो नहीं बचेगा, समझ गए? इनकी बातों से पता चल रहा है कि बल्लू मेरी बात नहीं मानेगा। बल्लू ये लोकसत्ता पेपर का ऑफिस है, तुमने अपनी माँ का नाम क्या बताया? मीनाक्षी है। मीनाक्षी, एड्रेस? वो एड्रेस क्या है? रूम नंबर 17। 17? तू कह रहा था ना यहाँ तेरा कोई पहचान वाला है? उसका नाम कृष्णा है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, चलो यहाँ पे ढूंढते और देखते हैं वहाँ पे। आपका बेटा जरूर मिलेगा, चिंता मत कीजिए। सुनिए भाई, लापता का एडवर्टाइजमेंट देना है, कहाँ पे जाना होगा? राइट में तीसरा केबिन है उनका। ठीक है भाई, ओके। सुनो बेटी, हाँ? मैं जाकर वो फोटो लेकर आती हूँ। पर क्यों माँ जी? नहीं, वो मेरे पास एक ही फोटो था, वो भी मैंने दे दिया। मुझे वो फोटो चाहिए बेटी। सुनिए माँ जी, मैंने उस फोटो जैसे 10 फोटो बना कर रखे, चलिए। ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। हाँ, मास्टर का घर, उस गुंडे ने क्या कहा था, खाली नहीं करेगा, लेकिन आपके आने के बाद। हाँ, मेरे आने के बाद सब लोग डरकर भाग गए थे, मेरे नाम से लोग डरते हैं, मेरे आते ही खाली कर दिया। सर मुझे अपनी माँ को ढूंढना है। हाँ कृष्णा ने सब कुछ बता दिया है, फोटो दे दो। बिना फोटो के ढूंढ नहीं सकेंगे क्या? आप यहाँ पर क्यों बैठ गई माँ जी, थक गए हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, उनको फोटो दी है ना, अगर वो हमें मिल जाएगा तो उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। मेरी माँ मिल जाएगी ना सर? अरे जरूर मिलेगी, इसीलिए पैसा देकर ऐड दिया है हमने। सुनिए आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही जाके उसे ढूंढूं। ढूंढने से आपकी पोजीशन कम हो जाएगी। सुनो भाई, आपका दिया हुआ मैटर हम पेपर में छापेंगे, उसे देखकर अगर कोई कांटेक्ट किया तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? बताओ तुम्हारा घर कहाँ पे है? लेकिन क्यों? सुन, 3 दिन के अंदर इसकी माँ नहीं मिली ना तो तेरी तो मैं। चला जा, बुरा मत मानिए सर। माँ जी आपके लड़के को ढूंढने के लिए सारे इंतजाम हो गए, वो जरूर मिल जाएगा। अब चिंता छोड़िए और घर चलिए। चलिए मिल जाएगी ना? अरे मिल जाएगी यार। एक लोकसत्ता पेपर दो। तिरुनवल्ली डिस्ट्रिक्ट का मनुजपट्टी गांव। चलो मंदिर चलते हैं। क्या बल्लू, भगवान से क्या मन्नत मांगी? मैंने भगवान से मन्नत मांगी कि मेरी माँ जल्दी मिल जाए, इसलिए मंदिर जाता हूँ। उधर देखना, रोड रोलर आ रहा है। चोरे गाड़ी क्यों रोक रहा है तू? तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं। कहाँ सुबह सुबह इसका थोपड़ा दिखा दिया तूने? अरे खामखा तो परेशान हो रहा है, अरे जाकर उसे माफी मांग लेना बाबा। मैं क्यों उससे माफी मांगू, मैंने क्या गलती की है? अरे खूबसूरत लड़की तेरे से बात करना चाहती है, तू बात क्यों नहीं करता, ये गलत है, जा जा। भाभी, ए भाभी, ए तू क्या कर रहा है? अरे भाभी आपको बुला रहे हैं, भैया आपसे बात करना चाहते हैं। अब आ रही है, जो करना है कर, चल जा। क्यों बुलाया मुझे? तुम बुलाओ तो मैं आऊंगी, क्या मैं तुम्हारी बीवी हूं? भाभी, 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 जब मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं आए, फिर मैं क्यों आऊं?
देखो वैसे तुमसे क्या पूछना था मैंने, चार सवालों का जवाब देने को ही कहा था ना, क्या ये गलत है? फिर क्यों भाग रहे थे? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? सुनो मैं किसी से नहीं डरता। मुझे पता है तुम तो गुंडे हो ना, सब तुम्ही से डरते हैं। कौन बोलता है मैं गुंडा हूँ? मैं कहती हूँ पहले पुलिस तुम्हें अंदर डालती है, फिर जमानत पर तुम बाहर आते हो, 10 बॉडीगार्ड के साथ घूमते हो, अब बताओ ये क्या है? तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं गुंडा नहीं हूँ, इस मुंबई शहर ने बना दिया। कैसे? तुम क्यों जानना चाहती हो? तुम्हारे दिल में प्यार रहम होता तो तुम चाकू नहीं उठाते। तुम्हें एक तकलीफ हुई तो तुम उसके लिए इतने परेशान हो गए कि तुमने अपनी जिंदगी बदल ली और चाकू उठा लिया। सुनो एक बात ध्यान से सुनो, चाकू को देखकर डर लगेगा लेकिन प्यार नहीं आएगा। सुनो तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे दिल में भी प्यार है रहम है। मैं इस शहर में क्यों आया जानती हो? बताया था, कहाँ है वो? हाँ? सन्यासी, 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 सन्यासी सुन क्यों नहीं रहा है? अरे हाँ वो बोल रहा था नाम बदल दिया है। क्या नाम बताया था? हाँ संतोषी, 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 संतोषी। वो तो अभी भी नहीं सुन रहा है, ऐसा तो नहीं कि फिर से नाम बदल दिया? हाँ कोई बात नहीं, हरे भरे हैं खेत मगर खलियान नहीं, बहुत संतों का मान। क्या बात है, आज तो बकरा मिल गया। भरा है दिल पर नियत नहीं, हरी है कोख तबीयत नहीं। भरा है दिल पर नियत नहीं, हरी है कोख तबीयत नहीं। संतोषी ये गाना आपने गाया? आपको ये गाना कैसे मालूम? आपको संतोषी ने बताया ना? अरे संतोषी बता रहा था कि गांव से उसका दोस्त आएगा, इसलिए मैं आया हूँ। अरे मैंने उसे काम दिलाया था। क्या मुझे भी काम दिला सकते हो? लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे भाई। हाँ हाँ मेरे पास पैसे हैं ना। अरे तो पैसे हैं तो चलो ना। हाँ चलो ना, चलते हैं। सच कह रहे हो ना? हाँ, हाँ। पैसे हैं ना, खर्चा करोगे ना, तो चलो। संतोषी 8 बजे आएगा और आने के बाद वो मुझसे जरूर मिलेगा भाई। चलो चलकर हम लोग बिरयानी खाते हैं बैठकर, वो जरूर आएगा। ए छोटू, क्या है? 2 प्लेट बिरयानी देना। अभी तो खाकर गया था गधा। मुझे नहीं चाहिए। अरे तुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए। अरे भाई यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है। ये लोगों को ऐसे ही काटता है। अरे ऑमलेट नहीं लाया? ए संतोषी आया क्या? वो कौन है? अरे तू तो मुझे भी भूल जाता, जा जाके गर्म पानी लेकर आ। अरे जल्दी जा ना। फ्री में मिल गई तो गोनी भर भर के बिरयानी खाएगा पेटू कहीं का। छोटू 3 हाफ फ्राई। दूसरे के पैसे का है, तेरे बाप का क्या जाता है? कम से कम इसने प्लेट तो छोड़ दी। छोटू कितना हुआ? 72 रुपए हो गए। 72 रुपया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 1 500 का नोट है, वो दूंगा तो गुस्सा करेगा। अरे भाई आपके पास छुट्टा है क्या? देखो कैसे काटना शुरू कर दिया, भगवान भी अच्छे लोगों को ही उठाता है, ऐसे बेईमान को छोड़ देता है। ये लीजिए। किल्लर का तो रुपया दे रहा है। ये ले 75 रुपया, 3 रुपया तेरा टिप्स। मेरे बाकी पैसे? अरे क्या देख रहे हो भाई, अरे मेरे पास 500 का नोट है ना, राउंड फिगर करके तुझे देता हूँ। अरे बिरयानी गरम है ना? पूरी गरम है बेशरम। जा यहाँ से, जाके जूठे बर्तन धो। अभी तो शहनशाह है। ए भाई संतोषी के आने का टाइम हो गया, तुम यहीं पर बैठो। ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। अरे भाई चलो तुम मेरे साथ आओ, आओ कहीं और चलते हैं। बकरा लेकर आया, पार्सल भी ले गया, अब बकरे का क्या होगा? तुम यहीं पर बैठो, मेरा पेट टाइट हो गया है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं जाता हूँ संतोषी को बुला कर लाता हूँ और अपना 500 का छुट्टा करा कर भी ले आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर बैठो। ठीक है। के? ओके। पेट है मेरा भरा फिर भी दिल है नहीं भरा, अरे पेट है मेरा भरा। अरे छोटो चाचा, गले का पैसा लेके आ जा। अभी लेकर आया चाचा, पैसे लेने के टाइम पर बरोबर आ जाता है। कौन है ये, मेरी दुकान को घूर घूर के देख रहा है? अरे भाई जरा यहाँ, इधरा यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? ऊपर जाने की जल्दी है क्या? जा वहां जाके बैठ।
नहीं, मेरा गांव का दोस्त सन्यासी यहाँ आएगा, मुझे नहीं देखेगा तो वो चला जाएगा। ठीक है, उसके आने तक वहाँ जाके बैठ जा। नहीं नहीं, मैं वहीं बैठ जाता हूँ। ए छोड़ो, यहाँ ये रे, ये दूध वाले को दे देना, मैं नमाज पढ़ के लौटूंगा, तब तक तू दुकान का ख्याल रखना। यहाँ ख्याल रखने जैसी चीज क्या है। ए छोड़ो, क्या हुआ चाचा? इधर आ। वो क्या रात भर यहाँ सोता रहा? चल जाके उसको उठा के लिया। ठीक है चाचा। हाँ चल जा। ए भाई उठो 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 भाई उठो। मेरा दोस्त सन्यासी नहीं आया क्या? कोई नहीं आया, चलो चाचा बुला रहे हैं। hey, जल्दी आ। ये ले खा ले। मुझे भी चाचा ने चाय और पाव दिए थे। क्यों भाई, तुम्हारा दोस्त नहीं आया क्या? नहीं वो नहीं आया, हो सकता कहीं फंसा हो। कोई बात नहीं, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? तिरुनवली के पास मुंजापट्टी गांव का हूं मैं। लगता है मेरे गांव के बगल वाला है। क्यों भाई, हीरो बनने के लिए यहाँ आया है क्या? नहीं नहीं, मेरे गांव वाला संतोषी यहाँ काम करता है, उसने कहा तू भी आ जा, तुझे भी काम दिला दूंगा। अच्छा। इसलिए माँ को बिना बताए यहाँ आ गया। मैं भी तुम्हारी तरह बिना बताए गांव से भाग कर आ गया था, यहाँ वहाँ बहुत भटका, फिर चाचा ने मुझे रख लिया, पेट का सवाल है ना। ए चुप, पता चल गया ये शहर कैसा है, तेरे जैसे सीधे आदमी का मुंबई में कोई काम नहीं। अच्छा, गांव जाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं ना? वो कैसे रहेंगे, कल्लू आकर सारा पैसा लूट कर चला गया। ए? चाचा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे दुकान पे काम दे दीजिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, ज्यादा दिन के लिए नहीं, एक दिन के लिए दे दीजिए, फिर मेरा दोस्त संतोषी आएगा, वो मुझे यहाँ से ले जाएगा, कोई भी काम दिला देगा, सिर्फ खाना दे देना, तीन वक्त नहीं चाहिए, एक वक्त दोगे तो भी चलेगा। कुछ बोल रहा हूँ तो ये सुन ही नहीं रहा है, काम के लिए बहुत लोग हैं। तू जा। देखिए ना चाचा कितना सीधा लड़का है, इसे काम पर रख लीजिए ना। ठीक है, मैंने इनको काम पे रख लिया, अब तो आप खुश हैं ना साहब, अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और अपने गाँव जाइए। चाचा मुझे सलाह देने चला, चल अंदर। देखो भाई ये रख लो। नहीं चाचा, चाचा नहीं चाहिए। बात मानो और ये रख लो। नहीं चाहिए चाचा। सामने बस स्टॉप है, वहां जाके बस का इंतजार करो। जाओ 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 जल्दी। चाचा ये सब पकड़िए। मैं पकड़ लूंगा, तो दूध के ऊपर ढक्कन रख। मैंने तो ढक्कन रख दिया। केशव भाई यहाँ कैसे? तो जाके वहाँ खड़ा हो जा। क्या हो गया भाई? केशव भाई यहाँ पर आए हैं, कोई खास बात है क्या? हाँ बताता हूँ बताता हूँ। किसी ने इसे चाकू मार दिया सर, और कोई और चाकू मार के भागा सर। तूने ना सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने मर्डर किया है ना सर? मैंने कुछ नहीं किया। मर्डर किया है ना, इसको लेकर क्यों गया चाचा? मैंने केशव को खत्म कर दिया, आप बताओ भाई मैं कहाँ जाऊँ? तुम कहीं भी मत जाओ, सीधा यहाँ आ जाओ, सारा इंतजाम कर देते। शहर में गुंडों की कमी है क्या कि तू बाहर से आके गुंडागर्दी करता है? नहीं मारूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं मारूं तुझे। तो सिर्फ मेरे दो सवाल का जवाब दे, मर्डर करने के लिए किसने कहा, कितने पैसे मिले? सर मैंने उन्हें चाकू नहीं मारा। झूठी कसम मत, सच बता, अगर तूने सच नहीं बताया तो तुझे मैं उल्टा लटका कर मारूंगा, समझ गया? सर नमस्ते सर। हु? तुम कौन हो? नमस्ते साहब। कौन हो तुम? चाय वाला कादर भाई। मैं उस लड़के को जानता हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, उसका कोई कसूर नहीं है सर, यही बताने आया। एक आदमी अच्छा है या बुरा है यह फैसला करने वाला चाय वाला नहीं।
पुलिस वाला होता है। क्यों सर, किसी अच्छे आदमी को अच्छा बोलना कोई गलत बात है क्या? तुम अच्छी बातें करते हो लेकिन किससे बात कर रहे हो ये नहीं जानते, और तुम मेरे बारे में भी नहीं जानते। मैंने गलत नहीं कहा। चुप रहो कादर भाई। नमस्ते साहब। आप यहाँ कैसे आइए? कुछ नहीं साहब, मेरे गाँव वाला मुंबई में काम करने के लिए आया था। यहाँ वहाँ घूम कर मेरी दुकान के पास खड़ा था। मैंने उसको समझाया तू यहाँ नहीं रह सकता, बहुत सीधा है। वो बस पकड़ने के लिए खड़ा था, इतने में लफड़ा हो गया और पुलिस उसको पकड़ कर ले आई। इस लफड़े में उसका कोई हाथ नहीं है साहब, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही बात साहब को बता रहा था लेकिन वो। इंस्पेक्टर बुलाओ उसे। क्यों चाचा, दुकान कैसी चल रही है आपकी? ये सब आपकी दया है साहब। मेरी दया क्या, सब अल्लाह की मेहरबानी है, वही सबको खुश रखता है। ए, अपना गांव समझ रहे है क्या? ये शहर है, मुंबई शहर कहते हैं इसको। यहाँ कुछ भी देखो तो गलत ही दिखता है। समझ गया, भाई तेरे साथ हैं इसलिए बच गया। चुपचाप गांव की ओर निकल जा। खुदा हाफिज। सलाम। तू मुझे बेटे की तरह लगा इसलिए तुझे बचाने के लिए यहाँ चला आया। हिम्मत रखो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हिम्मत रखो। क्यों, किसने चाकू मारा तुम्हें पता नहीं? असली मुजरिम को पकड़ो और उसे अंदर डालो। मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जब देवा बोलता है तो सभी सुनते हैं, समझ गया? आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। वहाँ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया तो मैं तो गया ना काम से, पैसा भी नहीं मिलेगा और जायदाद भी। ये तू कहाँ आके किससे बात कर रहा है? उंगली दिखा के बात कर रहा है? सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है? सॉरी सॉरी, क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या भाई? आपके सामने छोड़ ना, तेरी यही हरकत मुझे पसंद नहीं है। जब देखो हाथ उठा देता है। अरे इसे मारकर क्या मिलने वाला है हमें? ए, ले जाओ इसे, जाना। अरे जाए यहाँ से। आओ इंस्पेक्टर, क्या बात है? केशव के अटेम्प्ट टू मर्डर वाले केस में पुलिस को सूरी पर शक है। ठीक है। मैंने सूरी को छुड़ाने के लिए बहुत से लोगों को अंदर डाला था, ये बात एसीपी तक पहुंच गई। तो करना क्या है अभी? 48 घंटों तक सूरी को अंदर रहना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। सब लोग इधर आओ। तुझे आदमी चाहिए ना, मैं देता हूँ। इसे ले जाओ, इसको ले जाओ, इसको, इन सब को ले जाओ तुम, लेकिन सूरी पर हाथ मत डालना, ये नहीं होने दूंगा मैं। ये सूरी मेरा छोटे भाई की तरह है, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है पता है तुझे? जाओ। ये जलेबी। हाफ प्लेट बिरयानी। हाफ प्लेट बिरयानी। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तेनवली, जिला मुंजपट्टी गांव का, आनंद सागर। पिन कोड नंबर भूल गए क्या? याद है, याद है, 672। बस, 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 जब तक तू अपना नाम बताएगा तो जिस ग्राहक को चाय देने जा रहा है ना वो चाय ठंडी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ तेरा नाम। तेनवली जिला। बस, 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 बस। क्या नाम रखूं इसका, बड़े बाल वाला बल्लू। बल्लू वहाँ क्या कर रहा है? भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान से? ए बल्लू, भगवान को लेकर नहीं आ रहे हैं, मुर्दा लेकर आ रहे हैं, मुर्दा। चाचा ये क्या कह रहा है? और क्या, ये मुर्दा है शमशान घाट ले जा रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? चाचा ये कैसे हो सकता है, हमारे गांव में कोई मर जाता है तो सब लोग रोते हैं। मेरे पापा गुजर गए थे तो मेरी माँ बहुत रोई थी, रो रो के उनको बुखार आ गया था। देखो बल्लू, रोने से मरा हुआ इंसान वापस तो नहीं आ जाएगा। जिंदा रहते हुए चाहे इंसान को खुशी मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो खुशी खुशी विदा करना चाहिए। ऐसा करने से कम उसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर उसके सारे रिश्तेदार उसे खुशी मनाकर विदा कर रहे हैं। सिर्फ रिश्तेदार नाचते हैं क्या? सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं नाचते हैं। इस शहर में अगर कोई अनाथ मर जाए ना तो उसके लिए भी लोग यही करते हैं। अब जैसे कि उसके अगल बगल वाले, उसके दोस्त, वो सब खुशी खुशी उसे विदा करते हैं। आखिर ये भी तो एक पुण्य का काम है ना? हे पापा गुजरे तो मैं नहीं नाचा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी क्या?
मेरी माँ को सोने के कंगन दिलाने के लिए चाचा के दुकान के अलावा दूसरी जगह भी काम किया। वाह बल्लू, नया बूट, नया पैंट, नई शर्ट, कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चाचा, आप तो अभी तक बदले नहीं, मैं ढंग के कपड़े पहनूं, ऐसा छोटू ने कहा। ओह, तो ये इसकी कारस्तानी है। हाँ चाचा, आप मेरी काबिलियत का इस्तेमाल तो करते नहीं हो। ए सुन, सुबह शाम जो तुमको 5 किलो आटा पीसने के लिए दे रहा हूँ वो कोई कम है क्या? चाचा, आप मुझे तरक्की नहीं करने देंगे। संतोषी जब यहाँ से गाँव आया था तो अच्छा पैंट शर्ट पहन कर आया था। चाचा, मेरी माँ मुझे ऐसे देखेगी ना तो बहुत खुश होगी, मेरी नजर उतारेगी, मेरी पसंद का खाना खिलाएगी। और मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए भी एक चीज लेकर जा रहा हूँ, जानते हैं? क्या ले जा रहा है? टटटन। हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसी के लिए पैसे जमा किए थे। चाचा, पीछे बिल्डिंग में 6 चाय भेजना स्पेशल। हाँ, ठीक है, तुम चलो, ये लो। जब पहली बार तुझे देखा था ना तो लगा था कि तू किसी काम का नहीं है, गांव वाला समझ के काम पे रख लिया था। तूने तो कमाल कर दिया। इसलिए किसी को लंबाई और शक्ल के हिसाब से नहीं तोलना चाहिए। अरे लंबाई की बात तो तू करना मत, वरना तुझे ही भेज दूंगा। अच्छा बल्लू, तूने मेरी दुकान के साथ साथ और जगह भी काम करके पैसे जमा किए, और तूने जो अपनी माँ के लिए सोने के कंगन खरीदे है ना, इससे मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व हो रहा है। अच्छा छोड़ बल्लू, इतने दिन तक मुझे भेजने की बात नहीं कर रहे, क्या बड़बड़ा रहा है? आप दयालु हो, यही कह रहा हूँ। अच्छा सुनो बल्लू, ये चाय पीछे की बिल्डिंग में दे के आ जाओ। क्या चाचा, अभी मैं गांव जाने के लिए तैयार हुआ हूँ और आप मुझे चाय देने के लिए कह रहे हैं? इसका एक कारण है रे, इस कपड़े में तू सुपरस्टार लग रहा है। ये कपड़े पहन के चाय देने के लिए जाएगा ना तो सब लोग तुझसे जलेंगे, चाचा का नाम रोशन होगा रे। आप सही कह रहे हो, अगर कोई शक है तो जाके आईना देख ले। छे, आईना देखने की क्या जरूरत है, आपने बोल दिया ना, लाओ चाय लाओ। मैं तो चला। मैं तो चला गांव में जाके माँ से मिलूंगा, माँ से मिलूंगा, माँ खुश होगी, प्यार करेगी। मैं तो चला माँ से मिलूंगा। ए रुको, कहाँ जा रहा? चाय भाई, चाचा की दुकान की चाय है। जाके अंदर दे दे। हाँ। जा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, अब मैं तो चला। केशव मैटर में पुलिस इसको पकड़ कर लेकर गई थी। हेलो, पैसे अभी तक नहीं भिजवाए तूने? ए, पैसों के लिए तुझे बार-बार मैं फोन नहीं करूंगा। सारा दिमाग खराब मत कर मेरा, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। भाई चाय। हे, किस हाथ से चाय दे रहा है? दाएं हाथ से देना। किसी भी हाथ से चाय दूं, चाय मुंह में ही जाएगी ना। अरे मुझे नहीं पीनी है चाय। मैं तो चला। मैं कौन बोल रहा हूँ पता है ना? मैं तुझसे आगे फोन पर बात नहीं करूंगा। भाई चाय, भाई फौरन 20 लाख रुपए भिजवा दे, समझा? ए भाई, मैंने कहा था ना दाएं हाथ से चाय देना। किसी भी हाथ से दूं, उससे क्या है? उस हाथ में क्या है, गांजा है क्या? ला ला ला, दिखा मुझे, मुझे दिखा, ला इधर, ला ला। ओ सोने के कंगन, चाय वाले को सोने के कंगन कैसे मिले? हाँ, किसको? तू अपनी आइटम को दे रहा है क्या? ऐसा मत कहिए, ये मेरी माँ के लिए है। अरे मैं कुछ भी पूछूं, तू माँ माँ लगा रहा है, ये ले। जब से मैं देख रहा हूँ उल्टी सीधी बातें कर रहा है, पागल कहीं। तूने मेरी माँ के कंगन में फेंका? ए पकड़ लो इसे। छोड़ उसे, अरे छोड़ उसे, अरे छोड़ ना, अरे चाय देने वाले लड़के को क्यों मार रहा है तू? उठाओ 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 उठाओ। ए, इतना गुस्सा क्या हो रहा था? किस कमीनी के लिए लिया रे? Hey!
मुनंजपट्टी। हाँ हाँ, मुनंजपट्टी गांव, तिरुनेलवेली जिला। तिरुनेलवेली जिला और मुनंजपट्टी गांव में आप अपने माँ को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, तुमको कैसे पता चला? ओ, पेपर में पढ़ा होगा। आपका दूसरा नाम भी है क्या? दरअसल मेरा नाम बल्लू नहीं है, मेरा नाम आनंद सागर है। मेरी माँ मुझे आनंद बुलाती है। वो चाय वाला छोटू मेरे बड़े बाल देख के बल्लू कहने लगा। बल्लू ही आनंद सागर है और आनंद सागर ही बल्लू। हे, रुको रुको बल्लू, आनंद सागर रुको, आपकी माँ मेरे घर पर ही रहती है, रुको बल्लू। चाचा, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे,
बल्लू ही आनंद है और आनंद ही बल्लू है। माझी, ए आकाश, मेरे घर में एक माझी रहती थी, तूने देखा है क्या? कल देखा था मैंने, चकली भी दी थी। मिस्टर बल्लू। मैडम, आप हैं, इंटरव्यू लेने आई हैं। टीवी वाली हो तो ठीक है, पेपर वाली हो तो सोचेंगे। मिस्टर बल्लू कहाँ है बताओ? आप टेंशन मत लीजिए, मेरी दुकान की चाय पीजिए, मैं आपको स्पेशल चाय बना के देता हूँ। अभी दुकान का इंचार्ज मैं हूँ। प्लीज छोटू, मुझे उसे एक जरूरी बात करनी है। बल्लू कहाँ है? क्या बल्लू बल्लू लगा रखा है? बल्लू मेरी जेब में है क्या? आप ही जाके ढूंढ लो। प्लीज मैं पूछ रही हूँ, बल्लू कहाँ है बोलो ना। बल्लू हाँ। मैं एक सच बताऊं? बोलो जल्दी बोलो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कुछ होने लगता है। इसका इलाज क्या है मैडम? चल पागल खाने जाके किसी डॉक्टर से मिल, भाग। क्या आइडिया दिया है? अरे रे, ए बल्लू तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? हे कादर भाई को मारना नहीं चाहिए था तुझे। तो आप ही बताओ मैं क्या करता। एक बार मैं उसको चेतावनी दे चुका था, लेकिन कादर भाई वो चाय वाला सुधरा नहीं, इसीलिए मैंने उसकी पिटाई कर दी। अभी वो हॉस्पिटल में लेटा होगा, अब बल्लू डरेगा। तूने जो भी किया वो गलत है। क्या भाई, आप समझ नहीं रहे हैं, हमें भी जीना है। वो तो ठीक है, तूने पहले भी बल्लू के मामले में टांग अड़ाया था, इसीलिए सोचना पड़ रहा है। वो अलग तरीके का आदमी है, पहले से ही उसने शर्त रखा है कि मेरे किसी भी काम के बीच में कोई भी टांग नहीं अड़ाएगा। भाई अब मैं आपको कैसे समझाऊं? बाप रे बाप, बल्लू कैसे भी आप तक पहुंचेगा, ये सोचकर अपने आदमियों को उसका बॉडीगार्ड बनाया था। आज वो सब उसके आदमी बन गए हैं, ये पता है ना आपको? अरे तो मुझे क्या करना है? आप कुछ नहीं करेंगे, मैं ही बल्लू को खत्म कर दूंगा। हे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बल्लू जो है ना, अभी तुझे पूरे शहर में ढूंढ रहा है, वो कभी भी यहाँ आ सकता है। तू एक काम कर, तू यहाँ से चला जा। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, क्यों भक्त की परीक्षा ले रहे हो? मैं क्या आपसे सोने के 1000 सिक्के मांग रहा हूँ? मैं तो सिर्फ अपने लेवल के लोगों के पर्स मांग रहा हूँ। आजकल के लोग भी ना, महीने के आखिर में पर्स में पैसे रखने की जगह बस की टिकट लेकर घूमते हैं। मेरे ब्लेड के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। हे ईश्वर, अभी भी वक्त है, आप मेरी मदद करो, वरना मैं अपनी खूबी दिखाना शुरू करूंगा तो आप मुझे दोष मत देना। अंकल, क्या भगवान, आप बच्चों की आवाज में अंग्रेजी बोल रहे हैं? क्या बात है? दान पेटी ऊंची है, मुझे उसमें पैसे डालने, आप मेरी हेल्प कीजिए। एक काम करो, इस पैसे को अंकल के पास रख दो, अंकल पूजा करने के बाद खुद ही पेटी में डाल देंगे। नहीं नहीं, मैं खुद डालूंगा। सुन रहे हो ना, एक छोटा सा बच्चा भी 10 रुपए का भरोसा मुझ पर नहीं कर रहा है। तुमने मुझे इतने लो लेवल में रखा है। लगता है सुन लिया। छोटू, तेरे साथ और कौन कौन है? मम्मी डैडी है मेरे साथ, वो प्रसाद लेने गए हैं। उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो बेटे, उन्हें आराम से प्रसाद खाकर आने दो। अभी अंकल तुम्हें ऊपर उठाएंगे, तुम आराम से पैसे डाल देना। आ जाओ। अरे बाप, वजन है, पापा की चावल की दुकान है। नहीं नहीं, चप्पल की दुकान है। ओके छोटू, थैंक यू अंकल। थैंक यू, तुझे थैंक यू कहना ही पड़ेगा। असली है या नकली है देख लेंगे, ये सच में सोना है या सोने का पानी चढ़ा हुआ है। दान पेटी में पैसे डाल दिए ना। सन्यासी? वो लोग चले गए क्या? सन्यासी? मैं नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं, संतोषी हूँ मैं। सन्यासी मत कहो, संतोषी हूँ। अरे भरे खेत है मगर खलियान नहीं, लोगों को खाने के लिए दो मुट्ठी धान नहीं। सन्यासी? ये क्या आनंद, सूट बूट में आया है, ब्रांडेड शर्ट पहन रखी है, ब्रांडेड पैंट पहन रखी है, पक्का मुंबईया बनकर आया है। लेकिन यहाँ आने के बाद तू मुझसे मिला क्यों नहीं यार? ए, मैंने यहाँ आने के बाद तुझे बहुत ढूंढा पर तू नहीं मिला। ओ, तू उसी वक्त आया था क्या? अर्जेंट काम के लिए ऑफिस वालों ने मुझे आर्थर रोड भेज दिया था यार। क्या मतलब? ये सब सीक्रेट की बात है यार। अभी भी तू उसी काम में है? तेरी सवाल पूछने की आदत नहीं गई यार। अच्छा यह सब छोड़, मीनाक्षी मामी कैसे है? माँ मुझे ढूंढने के लिए मुंबई आ गई है, उनके पास मेरा एड्रेस भी नहीं है, अभी वो कहाँ भटक रही होगी मुझे पता नहीं। ए, पहले तू अपना एड्रेस मुझे दे, पूरी मुंबई में कहीं भी होंगी मैं उन्हें ढूंढकर तेरे पास लेकर आऊंगा। मैं इसी एड्रेस पे रहूंगा। ठीक है, अगर इस एड्रेस पे नहीं मिला तो इस मंदिर में सुबह शाम जरूर आता हूँ, मैं यहीं मिल जाऊंगा। ठीक है। पर यार तू अपना एड्रेस तो बता। मेरा एड्रेस ये वो पीले बनियान वाला है। वो आदमी? अरे बाप रे, याद आया, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, रुको बाद में मिलता हूँ। Thank you.
ओके फाइन ओके। बल्लू सूरी का पता चल गया, काजू पाड़ा के फैक्ट्री में छिपा है। बाप रे, मुझे अपने दोस्त से बात भी नहीं करने देते, कैसे जिंदगी है आनंद सागर? कहाँ चला गया तू? यही तो छोड़ कर गया था, लगता है भगवान का भक्त बन गया है, मंदिर में कहीं बैठा होगा। मीनाक्षी मामी, सन्यासी, तू यहाँ कैसे? अच्छा, आनंद मिला क्या? कहाँ पर? अरे यही तो था। यहाँ कहाँ? यही छोड़ कर मैं गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे यही मिला था। रुके रुके रुके, मैं आपसे उसे मिला था। आइए आइए मेरे साथ। आइए अंदर आइए। कहाँ है तू? पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए अंदर जाकर देखते हैं मामी। आनंद, कहाँ है बेटा तू? मामी यही कहीं होगा, मिल जाएगा। अरे तुझे कहाँ पर मिला था वो? मामी मुझे तो यही मिला था। आनंद छोड़ मुझे, कहाँ है मेरा बेटा? कोई नहीं उसके बारे में नहीं जानता, और तू कहता है कि वो मिला था। रोइए मत मामी, आनंद ने मुझे अपना एड्रेस दिया है, ये देखिए। चलिए वहीं चलते हैं। था क्या? मैं तो अपने रास्ते जा रहा था, तूने ही मुझे परेशान किया। चाचा मेरे बाप की तरह है, तूने उनको क्यों मारा? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? अरे खत्म कर दे उसे। चुप हो जा, मैं सब जानता हूं। अपनी माँ के लिए कंगन लेके गांव जा रहा था, पर तूने जाने नहीं दिया। बल्लू, वो मेरी गलती नहीं थी, देवा की थी। मैंने तुझे कुछ भी नहीं किया, जो भी किया वो सब देवा ने किया, उसके बदले में तूने उसे खत्म कर दिया ना। अभी भी तुझे मारने के लिए केशव ने कहा था, दुकान तोड़फोड़ करने का और चाचा को मारने का, ये सब प्लान केशव ने किया था। देख देख, मुझ पे भरोसा कर। भाई सूरी को बल्लू ने मार दिया। सूरी ने मरने से पहले आपका सारा प्लान बल्लू को बता दिया है। बल्लू आपसे बहुत गुस्सा है, वो आपको ढूंढ रहा है, आप सावधान है ना भाई। आनंद बाहर आ, तेरी माँ आई है। बेटा तेरी माँ आई है। आनंद कौन है आप लोग, क्या चाहिए आपको? आनंद, आनंद सागर, आनंद मेरा बेटा यहाँ रहता है, उसको बुलाइए ना साहब जी। आनंद नाम का कोई आदमी नहीं रहता। नहीं साहब जी, वो डर के मारे अंदर बैठा होगा, आप उसे बुलाइए ना साहब जी, मेरा बेटा अंदर है। आनंद
देखो माँ आई है। बहुत दिन से उसे हैं चाचा, उसे ढूंढने के लिए गांव से अकेली आई है चाचा, प्लीज उसे बुला दीजिए ना चाचा। मैंने कहा ना यहाँ ऐसा आदमी नहीं रहता। आप कैसे बात कर रहे हैं, ये एड्रेस तो आनंद ने ही मुझे दिया है, ये नंबर भी वही है चाचा, आप खुद ही देख लीजिए ना। एड्रेस तो आपका बिल्कुल सही है लेकिन आनंद नाम का कोई आदमी नहीं रहता। चाचा आप एक बार फिर से घर में पूछ लीजिए ना चाचा, शायद ऐसा होगा। मैंने कहा ना ऐसा कोई आदमी यहाँ नहीं रहता, तो बेकार में क्यों परेशान कर रहे हो, चलो जाओ। अरे सुनो, तुम्हारा लड़का खुद को समझता क्या है, आधी रात में अनजाने लोगों के साथ आता है, गुंडों के साथ में आता है, उसको ढूंढते हुए पुलिस भी पीछे पीछे आ रही है। उस दिन आनंद नाम के लड़के को लेकर आया था, आज लड़के को ढूंढते हुए उसकी माँ आई है। ये शिवा हमारे परिवार में पैदा होने लायक ही नहीं था, पता नहीं कैसे पैदा हो गया। देखिए ना, आनंद ने जो एड्रेस दिया था वो गली नंबर घर नंबर सब तो यही है, लेकिन ये चाचा मना क्यों कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। हाँ मामी, सुबह जब आनंद मुझसे मिला था ना तो ये कह रहा था कि वो सुबह शाम मंदिर जरूर आएगा मामी, चलिए वहीं आनंद मिलेगा। हाँ मामी चलिए चलिए चलिए। मेरा बेटा जरूर यहाँ आएगा ना, उसने मुझसे कहा था कि सुबह शाम मंदिर में जरूर आएगा, आज चाहे हाँ। जितनी भी देर हो जाए मैं उससे मिले बगैर जाऊँगा नहीं। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं भी बैठता हूँ। क्यूँ मामी, आप आनंद को लेकर गाँव चली जाएंगी या मुंबई में उसी के साथ रहेंगी? नहीं बाबा, बहुत डर लगता है, यहाँ हम किसी को जानते ही नहीं। तुझ जैसे लड़के के लिए ये शहर ठीक है बेटा, मेरा बेटा मिलते ही हम लोग गांव चले जाएंगे। ये सही आइडिया है, मेरे दिमाग में भी यही प्लान है। क्या प्लान है? ये आवाज कहीं सुनी हुई है। सर नमस्कार सर, सर आप एक मिनट वहाँ रुकिए, मैं आता हूँ। चलो मामी, वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो मुझसे बात करना चाहता है, आप यहीं रुकिए मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? मैं तुरंत आ जा रहा हूँ मामी, आप घबराइए मत, यहीं रहिए। क्यों सर, फूल वाली से भी पैसे वसूल करने शुरू कर दिया क्या? सब आए मिल लो। गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है सर? सुबह 6 तोला सोने की चैन खींची थी, कहाँ है? कौन सा चैन सर, साइकिल की चैन? घुटना तोड़ दूंगा, चैन निकाल। सर शहर बहुत खराब हो गया सर, 6 तोले की चैन लेकर जेब में घूमेंगे तो कोई भी पॉकेट मारेगा ना सर, इसीलिए मैंने चैन सुरक्षित मारवाड़ी के पास रख दिया है सर। पिक पॉकेट के बारे में बोल रहा है, चल थाने चल चल। सर 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 एक मिनट सर, गांव से मेरे दोस्त की माँ आई है सर, वो अपने बेटे को ढूंढ रही है, यहाँ मेरे अलावा किसी को नहीं जानती है सर, सिर्फ एक दिन छोड़ दीजिए, मैं खुद ही आ जाऊंगा सर। तू प्यार से सुनने वाला नहीं है, बताता हूँ तुझे, सिर्फ एक मिनट में आता हूँ सर। थैंक यू सर। क्या हुआ सन्यासी? वो क्या है कि ऑफिस से कुछ अर्जेंट काम के लिए बुलाया है, मैं अभी जाकर आता हूँ। अपने बाप, तू मुझे अकेला छोड़कर मत जा बेटा। नहीं मामी, मैं यूं गया और यूं आया। लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा। हाँ, वो जरूर आएगा मामी। और मामी आपको पता है आनंद ने अपना रूप ही बदल लिया है, आप कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है ठीक है, यहीं रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, आनंद जरूर आएगा मामी। ए, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम लोग को मालूम है ना मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ। सिर्फ आज के दिन मंदिर मत जाओ। सुनो, मैं बिना खाए रह सकता हूँ पर बिना मंदिर जाए नहीं, ना के मंदिर जाएंगे। बल्लू मेरी बात मानो, समझने की कोशिश करो, अभी अभी सूरी को खत्म किया है तूने, उसके लोग तुझे ढूंढ रहे होंगे, हमारे घर पे उनकी नजर होगी, इसीलिए मैं तुझे जाने से मना कर रहा हूँ, ये जगह सेफ है, कल सुबह चलेंगे ना। नमस्ते नमस्ते महादेव संभो, नमस्ते नमस्ते प्रसन्नैक बंधो, नमस्ते नमस्ते दयाचार। मीनाक्षी मामी, आप अभी तक यहीं हैं? आनंद नहीं आया क्या? उसने तो कहा था कि वो जरूर आएगा। ओ, हो सकता है बारिश की वजह से नहीं आया होगा, पर आप यहाँ बारिश में क्यों बैठी रहीं? आपको कोई मंदिर के कोने में बैठ जाना चाहिए था ना। अरे आपने खाना खाया कि नहीं? आप खाना कैसे खा सकती हैं? मैं भी नहीं आया, आनंद भी नहीं आया, रात में भी खाना नहीं खाया होगा। ठीक है चलिए कुछ खा कर आते हैं। चलिए मामी, आज किसी भी तरह आनंद से आपको मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। मामी और कितनी देर मुर्दे को यहाँ रख के बैठेंगे? दूसरी जगह भी मुर्दा उठाने के लिए जाना है क्यों साहब? मुर्दा उठाए क्या भाई साहब? एक मिनट रुक जाइए, इस माँ का एक ही लड़का है, वो अभी आता ही होगा, उसके बाद उठाएंगे। बार बार बोलते रहता है कि अभी आ जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। सुनो भाई, मंदिर के सामने मुर्दा रखा है, इसे जल्दी से हटाइए यहाँ से। अभी लेकर जाते हैं। ठीक है जल्दी कीजिए। मामी, आनंद ने कहा था कि वो रोज सुबह शाम मंदिर आया करता है, कल से वो नहीं आया, अब मैं क्या करूँ मामी?
हे भगवान मुझको मेरी माँ से मिला दे, हे भगवान मुझको। ये गाड़ी को क्या हुआ? छे, रात के लफड़े में पेट्रोल डालना भूल गया। बगल में पंप है, भरवा के लाता हूँ। ठीक है, तू जाके पेट्रोल डला क्या, मैं बगल में ही मंदिर जाता हूँ। अरे मेरी बात मान, यही पेट्रोल पंप है, गाड़ी में बैठ, पेट्रोल भर के मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ ना, तू जा। बल्लू तू मेरी बात नहीं मानेगा ना? ठीक है संभल के जाना, मैं पेट्रोल भर के आता हूँ। ठीक है। अरे तुझे प्यार से बिठाया था, साहब जी के आने से पहले ही भाग गया। अरे बच्चे नहीं है सर, मैंने साहब को दे दिया है सर। तेरे कहने से मान लेंगे क्या कि तूने साहब जी को दिया था? पागल है क्या हम? बात मानिए सर, मेरी मामी मर गई है, उनका बेटा भी नहीं आया, मैं शमशान घाट जा रहा हूँ सर। अरे तूने तो कहा था कि शहर में तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया? सर ये कुछ दिन पहले ही गाँव से आई है, ये मेरी माँ की तरह है सर, कम से कम उनका अंतिम संस्कार तो करना चाहिए। ये इसका रिश्तेदार है क्या? मुझे क्या पता सर, हमें बुलाया हम आ गए, बोला मुर्दा उठाओ पैसे देंगे, बाकी हम कुछ नहीं जानते। Hey, इस मुर्दे के नाक की नथनी या कान की बाली चुराई क्या? बोल बोल रहे। सर मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, ये मेरी माँ की तरह है सर। सर कोई अपनी माँ के गहने चुराएगा क्या सर? क्या रे, ऐसा कमीना इंसान है, मुर्दे की भी चोरी करता है तू? सर सर मारिए मत, शरीर से चेंज कर ली। मैं मानता हूँ मैं चोर हूँ सर, लेकिन एक दिन के लिए मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे शमशान घाट जाने दीजिए सर, मैं अपनी मामी का अंतिम संस्कार करके खुद ही आ जाऊंगा सर। कहानी हमें मत सुना, चल पुलिस स्टेशन में साहब जी को सुना। सर मुझे एक मौका दीजिए सर, उस बेचारे का यहाँ कोई नहीं है सर, मैं उसका अंतिम संस्कार करके खुद ही आ जाऊंगा सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए सर। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, चल पुलिस स्टेशन। सर रुकिए सर, मैंने शमशान घाट पर पैसे भर दिए, आप लोग वहाँ चलिए, मैं आता हूँ। भाई साहब सुनिए, रुकिए, क्या है आप लोग चुपचाप मुर्दे को लेकर जा रहे हो? जो मरा है उसका कोई रिश्तेदार नहीं क्या? अरे क्या जमाना है भाई, पहले कोई अनाथ मरता था तो लोग रोते थे, लेकिन आजकल कोई भी मरता है कोई नहीं रोता है, और ये तो वैसे भी अनाथ है, इसके लिए कौन आएगा? हाँ ओ, तो इस मुर्दे का कोई नहीं हाँ, है। हाँ, कोई नहीं है, ये कलयुग देखो, मरे हुए आदमी को आज उठाने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तुम खुश हो जाओ, कम से कम हम चार लोग इस मुर्दे को उठाने के लिए तो आए हैं, वरना कौन आता है? हाँ बताओ। पता नहीं जब तक जिंदा थे खुश थे कि नहीं थे, लेकिन अंतिम समय में हम खुशी से विदा तो कर सकते हैं ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझे नहीं भाई आप? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें छोड़कर चले गए हैं, बल्कि जब तक है तब तक हम उन्हें नाच गा कर विदा करें। तुम यही चाहते हो ना, इसे नाच गा के खुशी से विदा करें तो हो जाएगा, वो सामने देखो। भाई उस मुर्दे का कोई भी नहीं है, जरा आके थोड़ी देर ढोल बजा दो। मुर्दों के लिए नहीं बजाते भाई। आप ऐसा मत कहो, पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा पैसा। अरे पैसा देगा तो हम बजाएंगे ना। मैं दूंगा ना पैसा, चलिए ना, मैं दूंगा पैसा, ये लीजिए। चलो 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 चलो, शुरू कीजिए। ये लो, ये तुम भी लो। हाँ अरे भाई थोड़ा और दो ना। ठीक है ये लो, सब रख लो। अरे इसके मुंह पे तो मक्खी घूम रही है। इस मुर्दे को अगर अंतिम समय में माला नहीं पहनाएंगे तो इसकी आत्मा बहुत दुखी होगी। सुनिए करंट नहीं है, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ठीक है आप लोग यहीं रुकिए, मैं माला लेके आता हूँ। एक माला देना। एक माला 30 रुपए की, कोई भी ले लो। ठीक है आजा, उसे ढूंढते हैं। चलो चलो। भाई hey, क्या हो रहा है वहाँ? भाई कोई वीआईपी की डेड बॉडी है, बहुत पुलिस लगी हुई है। hey! तो बल्लू भीड़ में घुसकर भाग जाएगा। खत्म कर दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं आज। आज बल्लू की कहानी खत्म होनी ही चाहिए।
उस देवा सूरी की तरह ये केशव बेवकूफ नहीं है। आज तो उस बल्लू की कहानी को सुनिए, करंट आ गया है, जल्दी लेकर के आइए, नहीं तो कभी भी जा सकती है। किसी को अंतिम दर्शन करने हो तो जल्दी जल्दी कर लो, चलो। ये अनाथ मुर्दा है, देखने वाला कोई नहीं है। सुनो, मानो ये अनाथ मुर्दा है लेकिन उसने हमें पैसा दिया है, वो हार लाने के लिए गया। पहले उसका इंतजार कर लो, आखिरी समय में कम से कम बेचारा इसकी शक्ल तो देख ले। अरे पावर फिर से भी जा सकता है, चल चल जलवा दे। अरे वो कोई क्या इस माँ का लड़का है क्या? अरे कौन है वो क्या पता, चलो हम लोग चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ चलो उठाओ। पता नहीं पर खुशी से जाओ, आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। क्या भाई सब कुछ बराबर हो गया ना? हाँ। कितने पैसे हुए? अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, एक साहब जी ने धूमधाम से मुर्दे को विदा करके हमें भी पैसे दिए। चलो रे। साहब जी ने दे दिए? ए सन्यासी। आनंद तू? मैं यहाँ पर कैसे यही सोच रहा है ना, वो क्या है ना, बेचारी अनाथ मुर्दा थी, मैंने धूमधाम से नाचकर विदा कर दिया। वो सब छोड़, मेरी माँ तुझे मिली क्या? ज्यादा सोच मत, हम दोनों मिलकर ढूंढ लेंगे। अरे आनंद, तूने इस मुर्दे की शक्ल नहीं देखी थी क्या? जिस मुर्दे को अभी तूने खुशी खुशी विदा किया वो कोई और नहीं थी, तेरी माँ थी यार। क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोल रहा है तू? तुझे नहीं ढूंढना, मैं ढूंढ, मैं अकेला ढूंढ लूंगा। अरे माँ के बारे में कोई झूठ बोलता है क्या? वो सच में तेरी बात है यार। चाचा सुना ये क्या कह रहा है? हिम्मत रखो बेटा, ये जो भी कह रहा है वो सच है बेटा। चाचा क्या सच है, क्या सच है? मेरी माँ को कभी देखे है क्या? मेरी माँ की शक्ल भी देखी आपने? बोलिए चाचा बोलिए। सच है अंकल, वो दादी श्वेता दीदी के घर पे रहती थी, उस मुर्दे के साथ आप नाचते हुए जा रहे थे, मैंने देखा, इसलिए मैं श्वेता दीदी को यहाँ पर लाया हूँ अंकल। आपने कहा था चाकू उठाओगे तो तुम्हारी माँ जरूर मिल जाएगी, लेकिन चाचा माँ तो मुझे नहीं मिली। खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो। हंसते हुए विदा करो, मेरी माँ मर गई, ये इन लोगों ने मुझे बताया, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देख पाया, फिर भी मैं उन्हें नाचते गाते हुए विदा किया। रो मत बेटा, मैं आ गई ना, रो मत।
नहीं रोते हाँ, नहीं रोते, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो तेरे साथ ही हूँ ना, तू रोना बंद कर। अब तुझे मनाने के लिए मैं नाचूंगी भी और गाऊंगी भी। माँ, 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 बल्लू ने तो अपनी माँ के लिए चाकू उठाया, पर हमने किसके लिए उठाया?